आज हम लोग पूरे इकोनॉमी के क्रैश कोर्स को लेकर के आए हैं कि इकोनॉमी में किस प्रकार से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमारे कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत आवश्यक है। पहले मैंने ये सोचा था कि करंट अफेयर्स बेस के ऊपर हम करें कि करंट अफेयर्स जो है वो बताएं और साथ में फिर उसके कोई रिलेटेड कंसेप्ट है हम वो उसे बता दें। किंतु फिर मुझे फील हुआ कि अगर बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है ना तो फिर आप करंट अफेयर्स को उतना अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो इसलिए नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है आज वो लेकर के आए, जिसमें क्लास लेंगे सीए फाइनलिस्ट जो है अदिति श्री है वो आपकी क्लास लेंगे। तो उससे पहले क्लास शुरू, उससे पहले बेसिक इकोनॉमिक्स जान लो कि इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमिक्स होती क्या है। सिंपल सा, जहां पे पैसों का लेन देन होता है उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक लाइन में अगर कोई कहे तो ये है। कई जगह पे इसे कहा जाता है कि गरीबों की भाषा है ये, कि गरीब लोग जो होते हैं उनके लिए ये होती ही नहीं है। ठीक है, गरीब लोग के लिए होती ही नहीं है, कि गरीब लोग को काउंट किया ही नहीं जाता किसी चीज में, क्योंकि ना उनके पास पैसा होगा कि वो कुछ खरीदेंगे, ना ही सरकार उनके पॉलिसी बनाएगी, ना ही कोई बिजनेसमैन उन्हें अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहेगा। कई जगह पे कहा जाता है ये सिर्फ अमीरों की है, क्योंकि सिर्फ अमीरों के लिए होता है। कई जगह पे कहा जाता है कि बड़ा ही अनसाइंटिफिक है ये जीडीपी कैलकुलेट करना। कई जगह पे कहा जाता है कि जीडीपी जो है वो बड़ा ही कह लो कि बेवकूफों वाला है, कि किसी को समझ तो आता ही नहीं है। तो बेसिकली अलग अलग तरीके से लोग इसे परिभाषित करते हैं, तो उसमें हमें अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारा नेशनल इनकम है हम उसे कैलकुलेट करें, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को कैलकुलेट करने का मतलब है कि आप इकोनॉमी को समझो और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे समझने का प्रयास करो। तो इकोनॉमी को समझने के लिए हम नेशनल इनकम का प्रयोग करते हैं। तो नेशनल इनकम को अपना शुरू किया जाएगा, तो मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ आपको मैम को। ठीक है, और क्लास को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं अभी यहाँ पे नेशनल इनकम आपको समझाने वाली हूँ पूरा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? गुड गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, आ रही है। मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमें नेशनल इनकम जानने के लिए सबसे पहले एक डिफरेंस जानना होगा। एक होता है नेशनल इनकम और एक होता है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब कि इनकम जो कि रेसिडेंट जनरेटेड करते हैं, चाहे वो हमारी कंट्री में हो, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में हो, या आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी हो। लाइक अगर हम इंडिया के बेसिस पे बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन रेसिडेंट्स है वो चाहे इंडिया में जनरेट करे इनकम या फिर आउटसाइड इंडिया में करे, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी आइदर बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, यानी हमारे चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, जो इनकम इंडिया की टेरिटरी के अंदर जनरेट की जाती है उसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। मतलब मेन पॉइंट क्या है नेशनल इनकम में? मेन पॉइंट है कि रेसिडेंट जनरेट कर रहे हैं चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया में। तो मेन पॉइंट है इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट। और डोमेस्टिक इनकम में क्या है? मेन पॉइंट है विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी चाहे रेसिडेंट जनरेट कर रहे हो या चाहे नॉन रेसिडेंट, हम उसे डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे। रेसिडेंट क्या होते हैं? कोई भी पर्सन जिसकी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, लाइक जो होता है लॉ के हिसाब से पर्सन नेचुरल भी होते हैं और कंपनी वगैरह जो होती है उसे भी पर्सन कहा जाता है। तो कोई भी पर्सन जिसका कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमिक टेरिटरी में लाई करता हो। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई जो भी आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन है उसका जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लाइक पहली बात रहता वहां इकोनॉमिक टेरिटरी में हो, मतलब इंडिया में रहता हो, और साथ में उसका जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तरह तरह के काम होते हैं, वो सारा उसका इंडिया में होना चाहिए, तो उसे कहते हैं रेसिडेंट। आप और डीपली जाएंगे तो बहुत रेसिडेंट की भी बहुत बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इतना काफी है। उसके बाद फिर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको नेशनल इनकम को अगर एग्जाम्पल के साथ समझना है तो ये ऐसा है जैसे इनकम जनरेटेड बाय SBI इन USA। अगर SBI हमारी बैंक है, ठीक है, इंडिया की बैंक है, वो USA में अगर इनकम जनरेट करती है तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगी? क्या जो हमारी SBI बैंक है वो अगर USA में जाके इनकम जनरेट करती है तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगी? हाँ हाँ अब देखो SBI क्या है? SBI रेसिडेंट है, इंडियन है, रेसिडेंट है, तो चाहे ये इंडिया में इनकम जनरेट करे चाहे आउटसाइड इंडिया में जनरेट करे, ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी। क्या ये चीज क्लियर हुआ? यस मैम। यस, ऐसे मत बोलना, अगर ना समझ आए तो मैं रिपीट करूंगी, लेकिन मतलब क्लियर हो तभी हाँ बोलना। उसके अलावा जैसे अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है?
अगर मान चलो माइक्रोसॉफ्ट जो है विदेशी कंपनी है, वो रेसिडेंट नहीं है इंडिया की, नहीं, ये बात तो सबको पता है, बट माइक्रोसॉफ्ट की कोई ना कोई ब्रांच इंडिया में है, बहुत सारी ब्रांच है, तो मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो इंडिया में जब इनकम जनरेट अपना करती है तो क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो हाँ नॉन रेसिडेंट है जो कि इंडिया में अपना इनकम जनरेट किया है, उसे डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे लेकिन नेशनल इनकम में नहीं। इसका डिफरेंस पहले क्लियर है? मैं एक बार आप दोनों में से कोई भी बता दूं कि क्या है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम शॉर्ट में, ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर। हाँ, नेशनल इनकम में जो भी है वो इंडियन है, मतलब रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, चाहे वो विद इन इंडिया रह रहा है या इंडिया के बाहर रह रहा है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। और कोई भी पर्सन जो विद इन इंडिया के टेरिटरी में रहता है और वो किसी भी तरीके से जनरेट कर रहा है, तो वो जो है हमारा क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम में आएगा, जो कि मतलब नॉन वो भी हो सकता है बाहर का, मतलब हाँ रेसिडेंट नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे ये लगता है कि जैसे नेशनल इनकम है उससे हम ये समझ रहे हैं कि जो भारत का इनकम है, जो भारत की टेरिटरी में हो रहा है, मतलब जो भारत की बाउंड्री में हो रहा है, यानी कि जो आज हम देखते हैं ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरला तमिलनाडु तक उस टेरिटरी में, और वेस्ट में देखते हैं कि गुजरात से लेकर के ईस्ट में जो हम जाते हैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर नागालैंड तक, उस टेरिटरी में अगर कोई चीज भी प्रोड्यूस हो रही है, जो वहां पे इनकम जनरेट हो रहा है, वो चाहे कोई भी करे उसे नेशनल इनकम कहेंगे, उसे उसे डोमेस्टिक उसे इनकम कहेंगे। उसे डोमेस्टिक इनकम हाँ, कहेंगे। जो हमारी टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है उसे ओके, हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे, ठीक है, और चाहे रेसिडेंट हो या जो हमारे रेसिडेंट हो वो चाहे इकोनॉमिक हमारी टेरिटरी में या बाहर जाके कहीं पे भी अगर कर रहे हो इनकम जनरेट, तो वो आएगा नेशनल इनकम में। यानी जो नेशनल्स है, नेशनल्स का मतलब क्या, जो हमारे देश के नेशनल्स लोग हैं, ये चाहे कहीं पे भी इनकम जनरेट करे इस देश में रह के या कहीं और जाके, वो अल्टीमेटली हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगी। हाँ ओके okay, मतलब अगर शाहरुख खान है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है सपोज युगांडा में, तो वहां पे अगर कोई इनकम हो रही है तो उसे नेशनल इनकम इनकम में मानी काउंट किया जाएगी, क्योंकि जाएगा। बिल्कुल भारतीय नेशनल के द्वारा है, इंडियन नेशनल के द्वारा बिल्कुल है। और यदि यहीं पर कोई, अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसे आपने बताया, अगर वो भारत में कर रही है, तो हम उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, उसे डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे। उसे डोमेस्टिक में करेंगे। अब इसमें एक जैसे आप हमें कभी भी ये परसेप्शन डेवलप नहीं करना चाहिए कि जिस चीज को हम नेशनल इनकम में काउंट कर लिए वो डोमेस्टिक में नहीं आ सकता, या जिसको डोमेस्टिक में ले लिए वो नेशनल में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, रिलायंस अगर अपना उसका कोई एक जैसे ब्रांच है रिलायंस मार्ट, ठीक है, वो अगर दिल्ली में अपने रिलायंस मार्ट दिल्ली ब्रांच से अगर रिलायंस कोई इनकम जनरेट करता है, तो देखो रिलायंस क्या है, रिलायंस हमारा रेसिडेंट है और जो इनकम जनरेट हुई है वो हमारी विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी हुई है, यानी बोथ क्राइटेरिया फुलफिल हो गई, रेसिडेंट ने इनकम जनरेट की है, विद इन इंडिया जनरेट की है, तो वो हो जाएगा, वो काउंट होगा बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम में। इज इट क्लियर? मैम एक बार फिर रिपीट कीजिए। ठीक है। अब जैसे देखो हमें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस समझ आ गया। यहाँ पे अब क्या है कि यस मैम, जैसे कुछ चीजें आप ये देखो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, वो हमारी रेसिडेंट है इतना तो पता है, वो अगर कोई यस मैम, अपनी ब्रांच अपनी कोई दिल्ली के ब्रांच में इनकम जनरेट करती है, तो दिल्ली क्या है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, यस मैम, और रिलायंस हमारा रेसिडेंट है, तो देखो इसने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल किया कि नहीं, इनकम जनरेट किया है किसी रेसिडेंट ने विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, ये दोनों आप देखोगे कि दोनों के डेफिनेशन में तो यही बात कही गई है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री, इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है रिलायंस अपने दिल्ली ब्रांच के लिए, तो इसीलिए ये हमारे बोथ इनकम में आ जाए, नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी। वहीं अगर रिलायंस कहीं बाहर से इनकम जनरेट करती है तो वो हमारे नेशनल इनकम में तो आएगा लेकिन डोमेस्टिक इनकम में नहीं। लाइक बेसिकली जो हमारी रेसिडेंट कंपनियां हैं वो अगर हमारे ही देश में जो इनकम जनरेट कर रही है वो दोनों में आएगा, नेशनल इनकम में भी डोमेस्टिक इनकम में भी। ओके, समझ गया मैम। समझ आ मुझे गई? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि अगर ये है नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, आपने कहा कि अगर रिलायंस कंपनी है वो नेशनल इनकम भी मानी जाएगी और उसकी इनकम और डोमेस्टिक इनकम भी मानी जाएगी, और रीजन आपने ये दिया है कि नेशनल इनकम हम इस वजह से मानी जाएगी क्योंकि वो रेसिडेंट के द्वारा है, ठीक है। अब अगर रिलायंस का कोई कंपनी का बाहर भी होता अगर शोरूम, तो वो भी माना जाता,
बट चूंकि भारत में ही आपने दिल्ली का एग्जाम्पल लिया, इस वजह से नेशनल इनकम मानी जाएगी, क्योंकि ये तो अपना रिलायंस अपनी कंपनी है, नेशनल के द्वारा कंपनी है, एक ये रेसिडेंट की कंपनी है, इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम मानेंगे। और डोमेस्टिक इनकम इस वजह से मानेंगे क्योंकि वो इंडिया के टेरिटरी में हो रहा है, तो इस वजह से कोई एक कंपनी जो है उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो पैसा इनकम हो रहा है, हम उसे नेशनल भी मान सकते हैं और डोमेस्टिक भी मान सकते हैं। तो बिल्कुल क्या जो विदेशी कंपनी है हम उसे नेशनल और डोमेस्टिक दोनों मान सकते हैं? नहीं, विदेशी कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकती, क्योंकि विदेशी, हाँ, अगर विदेशी कोई विदेशी पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, लाइक उसके लिए क्राइटेरिया बहुत लंबा चौड़ा क्राइटेरिया है कि आप लास्ट ईयर 180 से ज्यादा दिन रह चुके हो, उसके अलावा कुछ कुछ और क्राइटेरियाज हैं, तो अगर वो फुलफिल करता है कोई इंडिविजुअल, विदेशी ही भले क्यों ना हो, लेकिन अगर वो रेसिडेंट हो गया उस ईयर के लिए और तब उसका इनकम जनरेट इंडिया में हुआ, तो वो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है, बट इन जनरल केस ऐसा नहीं हाँ, होगा। क्योंकि सिंपल बात है ना, वो इंडिया में अगर करेगा सपोज, तो फिर इंडिया में उसकी नेशनल मतलब जो टेरिटरी है वो तो होगी, तो डोमेस्टिक तो माना जाएगा, किंतु वो रेसिडेंट तो हुआ ही नहीं, वो तो यूएसए का रेसिडेंट हुआ, वो मार्क जुकरबर्ग हुआ। मार्क जुकरबर्ग चाहे भारत में रहने लग जाए, 6 महीना रह भी जाए, हम तब नहीं भी नहीं मानेंगे। नहीं सब मानेंगे, क्योंकि वही आइडिया फुलफिल हो जाएगी ना कि 180 डेज, आप वहां तक अगर जाने लगेंगे तो रेसिडेंट की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, वो हर फाइनेंशियल ईयर में चेक किया जाता है एक इंडिविजुअल का, कोई फॉरेनर अगर होता है तो हर फाइनेंशियल ईयर पे चेक किया जाता है रेसिडेंट का क्राइटेरिया, कि अगर उन्होंने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया है तो हम उन्हें मान लेते हैं कि हाँ ये किस ईयर के लिए हमारे रेसिडेंट है, और तब उनके द्वारा किया गया कोई खर्चा हमारे नेशनल इनकम में भी आएगा और डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, तो इसलिए वो ऐसे अलग बात है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस चीज को आगे ले चलते हैं। अब यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? ठीक यस मैम। है, अब एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन मैं ये व्हाइट बोर्ड पे लिखने की कोशिश करती हूँ, आप लोग भी इस चीज को लिख लेना क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। पहले मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ ना, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, ये दो पार्ट बनाने हैं मुझे, मैं कैसे से बनाऊँ, सिर्फ एक और पार्ट डाल, इनकम व्हाइट बोर्ड पे कुछ दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा क्या? कुछ नहीं दिख रहा व्हाइट बोर्ड पे? काफी नहीं सर। स्मॉल है, फॉन्ट छोटा है। अच्छा, ओके 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 अभी हो रहा है शो? नो मैम, मुझे तो नहीं हो रहा। मुझे तो हो रहा है, आप अपना विद्रम, स्क्रीन, आप एक काम करो, आप तब दोबारा से रिकनेक्ट करो, क्योंकि छाया को तो हो रहा है शो। ओके सर, मैं दोबारा। अरे आप अपनी स्क्रीन को ठीक करो, मेरी कई बार हो जाता है। साइड में लिखना है इनकम जनरेटेड बाय, इतना सारा कैसे पैरेलल ही जाएगा, ये डोमेस्टिक भी मुझे ये लिखना था, पैरेलल एक बार नहीं किया। ही दिखाना पड़ेगा इसका तब तक ना। हाँ, आप फोटो भी भेज दीजिए ताकि मुझे बताने में आसान हो। आप भेज दीजिए सबसे बेस्ट वे। अब हो रहा है सर। ठीक है, इसको भी अपने साइज बढ़ा दीजिए।
साथ में मुझे डोमेस्टिक भी लिखना है। लिख दो क्या? आप तो एक फोटो भेज सकते हैं तो इंडिविजुअली भेजिए ताकि मुझे इजी रहे बताने में, ग्रुप वरना में डाल लिखते देता लिखते ही, हाँ लिखते लिखते टाइम बीत जाएगा। मैंने अभी ग्रुप में एक फोटो डाली है, आप दोनों एक बार उसे भी ऑन कर लेना क्योंकि मुझे बताने में थोड़ा आसान रहेगा। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। अभी हम नेशनल इनकम को बेसिकली डिराइव करेंगे, ठीक है? सबसे पहले ये चीज आपको जानना जरूरी है कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में बोथ में एक क्या कॉमन चीज थी, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। लाइक अगर आपको उसका डेफिनेशन ध्यान में होगा तो नेशनल इनकम के दो पार्ट थे, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। ये था हमारा नेशनल इनकम का पार्ट। और डोमेस्टिक इनकम के दो पार्ट थे, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी। दोनों में आप पहला पार्ट देखोगे तो इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी कॉमन है, ठीक है? अब जो इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी है वो क्या चीज है? अगर कोई जो दूसरी विदेशी कंपनी है वो आके इंडिया में अपना इनकम जनरेट कर रही है, तो वो इनकम तो जनरेट कर रही है, कमा तो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ले जाएंगे वापस अपने बाहर अपनी कंट्री, ठीक है? यानी वो हमारे इंडिया से कमा के पैसे बाहर ले जाएंगे, इसीलिए हम उसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रोड, FITA हम उसे शॉर्टकट में लिखते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। आपने वो खोला हुआ है ना पेपर, उसमें देख भी रहे होंगे आप साथ के साथ। एक बार एक्सप्लेन फिर से कर दो प्लीज। नेशनल इनकम के दो पार्ट हैं, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी इनकम जो रेसिडेंट जनरेट कर रहा है इकोनॉमिक टेरिटरी में, और इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी हमारे रेसिडेंट जो आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम जनरेट कर रहे हैं। वैसे ही डोमेस्टिक इनकम के भी दो पार्ट है, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी और इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी। आप दोनों में देखोगे कि जो इनकम रेसिडेंट जनरेट कर रहे हैं विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, ये दोनों में कॉमन है, नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी, और एक एक पार्ट इसके अलग है। अब फैक्टर इनकम अब्रोड क्या चीज होती है? लाइक इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो ये चीज है कि जो इनकम नॉन रेसिडेंट जो जनरेट कर रहे, लाइक विदेशी कंपनी है वो इंडिया में इनकम जनरेट कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट की हो गई फॉर एग्जाम्पल, वो इंडिया में आके अपना इनकम जनरेट कर रही है, लेकिन क्या है जो विदेशी कंपनी है वो यहाँ से कमा तो रहे हैं बट वापस कहाँ ले जाएंगे? वापस अपने देश ले जाएंगे, लेकिन उनका जो भी टैक्सेशन वाली चीजें हो जाएगी, जो भी होगी वो सारा उनके अपने इकोनॉमिक बेसिक एक्टिविटीज जो होगी वो अपने देश में जाके करेंगे। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वो हमारे देश में कमा तो रहे हैं लेकिन वापस इनकम ले जाने अपने देश में, तो वो होता है फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी इनकम तो यहाँ हुआ था लेकिन वो अब्रोड जा रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। यहाँ क्लियर है? हाँ यहाँ तक तो इससे हम क्या, हमें क्या पता चल सकता है? आप ये देखना कि ये ए है इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी और इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। है ना? अगर इनकम हाँ जनरेटेड बाय, इन दोनों की इनकम को हम मिला दें, अगर इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी एंड इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो नेशनल इनकम बन जाएगा। और अभी हमने समझा कि इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी जो विदेशी कंपनी आके हमारे देश में इनकम जनरेट करती है, जो कमाती है यहाँ पे, वो वापस बाहर ले जाते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रोड, FITA। तो अब हमें ए प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी डोमेस्टिक इनकम हमारी हो गई, और जो अब तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी को कैसे लिख सकते हैं? डोमेस्टिक इनकम माइनस बी, और बी क्या है हमारी? फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी
DI यानी डोमेस्टिक इनकम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड हो जाती है इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा रिपीट करूँ, अदरवाइज ये चीज समझ आई। बस एक बार फुल फॉर्म बताना, दैट्स इट, बाकी क्लियर है। हाँ, FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड यानी हमने देखो अज्यूम फॉर हमने अज्यूम किया है कि इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी को हमने ए मान लिया, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी को हमने बी मान लिया, और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, ए इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस बी, और बी हमारा क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, वो पैसा जो कि कमा तो रहे हैं नॉन रेसिडेंट इंडिया में लेकिन वापस बाहर ले जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो पैसे को हम अपने इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी भी काउंट नहीं करेंगे, तो हम उसे लिख देंगे ए इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस बीटा, और ए हमारा है इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, बेसिकली हम लोग ऐसे समझ रहे हैं मैम कि डोमेस्टिक इनकम है हमारी कुछ, मतलब कि हमारी कुछ इनकम हो रही है डोमेस्टिक का। आपने मतलब बताया था कि चाहे कोई भी विदेशी भी अगर हो भारत में, अगर अगर आकर के पैसा कमा रहा है तो उसे डोमेस्टिक इनकम कह देंगे। तो यहाँ पे ये चीज है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है उसे हम लोगों ने ए माना अगर वो यहाँ पे इनकम कर रहा है, और हम लोगों ने उसे भी माना जो अगर विदेशी कंपनी है वो भारत में आके कर रही है, तो ए और बी आपने इसे माना। लेकिन चूंकि जो बाहर की कंपनी है वो पैसा अपना बाहर भेज देगी, क्योंकि अगर कोई कमाएगी तो अपना पैसा तो बाहर निकाल करके जाएगी, इसीलिए आपने उसे कह दिया फीटा, है ना, कि फैक्टर इनकम टू अब्रोड, वो इनकम जो कि बाहर जा रहा है। तो इसलिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैसे जो होगा डोमेस्टिक इनकम वो हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि जो भारत में लोग कमा रहे हैं पैसा, भारत के लोग हों चाहे विदेशी लोग हों, उन दोनों को जोड़ करके हमारा निकल रहा है डोमेस्टिक इनकम। लेकिन चूंकि वो पैसा बाहर जा रहा है इसीलिए हम उसको डिनोट करेंगे, बी को डिनोट करेंगे फीटा से, यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रोड, चूंकि वो बाहर निकल जा रहा है। और इसका मतलब ये जो डोमेस्टिक इनकम है वो ऐसे कैलकुलेट हो जाए कि आपने ए निकाला है, कि मतलब कि भारत के लोग कितना कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने ये एक क्यों निकाला है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फॉर्मूले तक पहुंचना है, और आप देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम में भी ये पार्ट आ रहा है इनकम जनरेटेड बाय आर इन इकोनॉमिक टेरिटरी, और नेशनल इनकम में भी आ रहा है इनकम जनरेटेड बाय आर विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इसलिए हम इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब तो हम आते हैं इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी, फीफा। हाँ भाई, अब जैसे नेशनल इनकम की बात करें अगर, तो इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्या हुआ, बस उसका उल्टा, लाइक हमारे रेसिडेंट जो हैं वो जो विदेश में कमा रहे हैं वो अल्टीमेटली भारत में ला रहे हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो इनकम हमारे पास वापस आ रही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी बाहर की दुनिया से हमारे इंडिया में जो इनकम आ रही है हमारे रेसिडेंट के द्वारा उसे हम कहते हैं फीफा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, लाइक जो हमारी कंपनीज है रिलायंस ही है, अगर वो बाहर विदेश में अपना उसका कोई ब्रांच है वहां से जो भी उसकी इनकम जनरेट हो रही है हम उसे कहते हैं, वहां से इनकम जो आ रही है उसे कहते हैं फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अब इसमें भी वही चीज हुआ, नेशनल इनकम के दो पार्ट थे, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी तो उसे हमने एज इट इज रहने दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे भी वही निकाला था इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, और हमने इसे लिख दिया इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी को हमने लिख दिया फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और ये दोनों चीजें सेम है, यहाँ पे देखिए हमने डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा है यहाँ ये लिख दिया, अगर इसमें हम फीफा ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि ये देखिए विद्यानंद आपको भी समझ आ रहा है ना? थोड़ी थोड़ी मैम, थोड़ी प्रॉब्लम कहाँ से, ज्यादा पीछे से प्रॉब्लम है या यही से ही? नहीं ये ऐड करने वाले में अच्छा मतलब अच्छा ठीक है, ऐड कंफ्यूजन हो करने वाला मैं जाता है। ठीक कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अब ये देखिए इनकम जनरेटेड हमने यहाँ पे क्या लिखा, अभी नेशनल इनकम को हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम को हमने लिखा है राइट हैंड साइड में, तो डोमेस्टिक इनकम अभी के हिसाब से हमने सिर्फ इतना लिखा डी आई माइनस फीटा, ये तो क्लियर है, डी आई माइनस फीटा ये हमारी हुई डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, और ये हमारी यस नेशनल इनकम यस है इनकम जनरेटेड बाय आर इन इकोनॉमिक टेरिटरी एंड फीटा, ये जो है
ये हमारा नेशनल इनकम है। अब अगर हम दोनों साइड फीफा ऐड कर देते हैं, लाइक हमने इधर भी फीफा है, अगर हमने इस तरफ भी फीफा ऐड कर दिया तो इक्वेशन सेम रहेगी, क्योंकि माइनस हो सकता है। यस अगर दोनों मैम, साइड हम सेम चीज ऐड करते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन सेम रहती है, इसीलिए हमने यस मैम, इसमें फीफा ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, नेशनल इनकम फिर किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए, ये जो फीटा है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, और ये फीफा है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमारी कुछ जो इनकम है वो आ रही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, और कुछ जो है इनकम है हमारे इंडिया से जा रही है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इसे हम नेट कर देते हैं कि नेट फीफा कितना, यानी नेट हमारे पास कितना इनकम आ रहा है, ओके okay, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ पैसा ऐसा है जो विदेशी कंपनी हाथ से निकाल करके ले लेके जा जा रही रही है। है और कुछ पैसा ऐसा है जो बाहर से कंपनियां लेकर के आ रही है। हाँ तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे देश से ज्यादा पैसा जा रहा हो तो जो नेट है वो हो जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा हो तो वो हो जाएगा पॉजिटिव में। तो जो पॉजिटिव आपने नेट फीफा जो बोला है कि बाहर से कितना आ रहा है एक्चुअल में नेट, कि मतलब ज्यादा कितना रहा है और आ कितना रहा है, उन दोनों को माइनस कर माइनस किया देंगे है, और फिर लिख देंगे, बिल्कुल यही है फीफा। बिल्कुल। ओके तो ये तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला हो गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फीफा। डोमेस्टिक इनकम हमारा ये था, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी प्लस इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इसमें हमने ऐड कर दिया नेट फीफा, यानी इनकम जनरेटेड बाय आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी माइनस इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इसे हमने कर दिया, ये हमारा हो गया नेशनल इनकम का फॉर्मूला डिराइव। क्लियर है? तो इसका ये आप ये फॉर्मूला लिख लेना, बेसिकली नेट इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम प्लस फीफा माइनस वीटा मम्मी, यहाँ पे एन वाई है या एन आई एन एन वाई ही है। हम इसे ना जो इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा वाई से करते हैं, नेशनल इनकम को लिखते हैं एन वाई, डोमेस्टिक इनकम को लिखते हैं डी वाई। मैंने यहाँ जल्दी पे डी आई लिख रखा है, लेकिन ये सारा डी वाई ही है, एन वाई डी वाई, मतलब इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके okay, मतलब यहाँ पे इनकम का आई नहीं बोलेंगे, इनकम से शॉर्ट फॉर्म नहीं, हम हाँ, वाई वाई ही बोलेंगे हर बोलेंगे। जगह। तो बेसिकली एन वाई इज इक्वल टू डी वाई प्लस फीफा इज इक्वल टू फीटा, नहीं माइनस बीटा था। ठीक है अब हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है अमाउंट पेड बाय बायर, यानी एक बायर ने किसी सामान को खरीदने के लिए कितना पैसा दिया। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर प्रोड्यूसर, यानी जो उसका प्रोड्यूसर था उसे उस चीज का कितना पैसा मिला। अब जनरली लोग सोचेंगे कि दोनों चीजें तो सेम होनी चाहिए, हमने जितना पैसा उन्हें दिया उतना पैसा उन्हें मिला, लेकिन नहीं, इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो कोई शर्ट लेने के लिए, वो शर्ट का जो प्राइस होता है, मतलब नहीं है, उल्टा आपको समझाती हूँ। आपने एक शर्ट के लिए 350 रुपए पे किए, ठीक है, वो हुआ क्या, अमाउंट पेड बाय बायर, इसे कहते हैं मार्केट प्राइस। लेकिन आपको पता है आपने उस 350 रुपए में कुछ पैसे इनडायरेक्ट टैक्स में दे दिए, लाइक जीएसटी लग गया। तो यानी मान के चलिए उसके ऊपर 50 रुपए की जीएसटी थी, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने 50 रुपए जो दिए हैं वो प्रोड्यूसर को नहीं दिए, अल्टीमेटली प्रोड्यूसर के हाथ में आया पेन, लेकिन वो प्रोड्यूसर आगे गवर्नमेंट को देगी। तो वो जो जीएसटी का पैसा है हम उसे फैक्टर कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे। हमने जो पैसा दिया वो 350, ये तो मार्केट प्राइस हो गया, लेकिन जिसने जिसने पैसे मिले, जिसने आपको सामान बेचा है, उसके हाथ में 300 रुपए आया है, बट जो 50 रुपए है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जाएगा, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग फैक्टर कॉस्ट जो है वो 300 रुपए है। फैक्टर कॉस्ट 300 जो उसे मिला, मार्केट प्राइस वो प्राइस जो बायर ने पे किया, ये डिफरेंस है। मतलब बेसिकली हम इसका ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी लागत लगा किसी सामान को बनाने में वो हो गया फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर उसमें फैक्टर हम कॉस्ट को नहीं हुआ, फैक्टर कॉस्ट तो माइनस करने के बाद हुआ ना, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में आप जब इनडायरेक्ट चीजों को, इनडायरेक्ट जो आप तो टैक्स मतलब करते क्या हैं, हम इसे इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि जो इनका हमें लागत लगा उसे फैक्टर कॉस्ट करेंगे, और अगर हम उसमें जीएसटी को जोड़ दे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा? उसे फैक्टर कॉस्ट नहीं, यहाँ आप उल्टा बोल रहे हैं ना। ये क्या है कि मार्केट प्राइस जो है हमारी, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज, आप पिज्जा खरीदने जाते हो, वो पिज्जा वाले बोलते हैं कि 49 रुपए का पिज्जा हम देते हैं, लेकिन कभी भी किसी को 49 का पिज्जा नहीं मिलता, वो हमेशा 63 या 64 उस रेट पे मिलता है। तो आप जाओगे बोलोगे हमने तो सुना था कि 49 में पिज्जा देते हो, तो वो कहते हैं सर हम तो आपसे 49 ही रुपए ले रहे हैं, बाकी जो 63 रुपए में से 49 कितना हो, 59
14 रुपए, बाकी जो 14 रुपए है ये गवर्नमेंट ले रही है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स जो उसके पिज्जा के ऊपर लग रहा है। तो फैक्टर कॉस्ट हमारा 49 हुआ, लेकिन मार्केट प्राइस जो है जो हमने पे किया वो किया 63। क्लियर? यानी क्या है, फैक्टर कॉस्ट में अगर क्या, अच्छा यस मैम क्लियर हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम सारे इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें, जितने भी चाहे कस्टम ड्यूटी हो गई, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, और अभी तो बहुत सारे टैक्सेस को सिर्फ जीएसटी ने कवर कर लिया है, जो वैट वगैरह थे उन सबको, तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में सारे इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं तो वो मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाता है। क्लियर? लेकिन अब आपको ये भी चीज बताओ कि गवर्नमेंट कई सारी चीजों को असिस्ट भी करती है, लाइक उस उन चीजों के लिए सब्सिडी भी देती है। तो अब उसमें क्या होता है कि आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑयल, केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल जो जनरली होता है ना, वो गवर्नमेंट को पता है कि ये गरीब लोग ही यूज करते हैं ज्यादा, तो इस वजह से क्या करती है कि वो कुछ सब्सिडी देती है, असिस्ट करती है। सोचते हैं कि अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि केरोसिन ऑयल 100 रुपए लीटर थी, गवर्नमेंट कहती है दुकानदार को कि एक काम करो आप ना इसे 80 रुपए में ही बेचो, तो वो कहते हैं मैं क्यों बेचूं, मेरा तो नुकसान होगा, मैं नहीं बेच रहा। तो कहते नहीं नहीं आपको ऐसे नहीं बेचना होगा, हम आपको उसका कंपेंसेशन पे करेंगे, हम सब्सिडी देंगे, आप जो बायर है उसे तो 80 रुपए में बेच दो, बाकी 20 रुपए हम आपको दे देंगे। यानी क्या हुआ, उसका फैक्टर कॉस्ट जो था वो तो था 100 रुपए लीटर, लेकिन उसमें से सब्सिडी जो हम जो पे कर रहे हैं, हमें सब्सिडी पे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन गवर्नमेंट अगर हमें असिस्ट करे तो वो पैसा हमें नहीं पे करना पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल वही 100 रुपए लीटर का तेल है, हम 1 लीटर खरीदते हैं, तो उसमें हमें 20 रुपए की सब्सिडी मिल गई, हमने अल्टीमेटली पे किया 80 रुपए, तो जो हमने पे किया वो क्या है, मार्केट प्राइस, और जो उसका फैक्टर कॉस्ट है वो क्या है, 100, यानी सब्सिडी उसमें इंक्लूडेड है। क्लियर? तो यानी इसका अब आप क्या समझ सकते हैं, मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। देखिए आप लोग भी इस चीजों को नोट कर रहे हो ना, क्योंकि ये चीजें माइंड से बहुत जल्दी उतर जाती है। मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू, और इसी हिसाब से फिर हम मार्केट प्राइस अगर निकालना हो तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी। यानी क्या होता है, सब्सिडी जो है वो अमाउंट पेबल बायर को रिड्यूस करती है, यानी बायर को कितना पैसा पे करना है सब्सिडी उसे रिड्यूस कर देती है, इसलिए हम फैक्टर कॉस्ट में से उसे माइनस कर देते हैं सब्सिडी को मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए। अगर हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करें तो क्या हो रहा है, फैक्टर कॉस्ट में अब जैसे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कई सारी चीजों पे टैक्स लगा रही है इनडायरेक्ट टैक्स, और कई सारी चीजों में सब्सिडी दे रही है, वो अब नेट इकोनॉमी एज अ होल में क्या हो रहा है, मैं ये लिख के बताती हूँ। फैक्टर कॉस्ट को मैं एफ सी लिख रही हूँ, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इकोनॉमी एज अ होल में फैक्टर कॉस्ट में कुछ चीजों पे टैक्स लग रहा है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स को, और कुछ चीजों पे हमें सब्सिडी मिल रही है, तो इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस आईडीटी माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब आईडीटी माइनस सब्सिडी को हम सिंपली लिख सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जितना भी आपको टैक्स देना पड़ा माइनस जो सब्सिडी है उससे हम लिख देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। क्लियर? इज इट क्लियर? लास्ट वाला फिर से रिपीट कीजिए मैम।
फैक्टर कॉस्ट, यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट को हम दो तरीके से निकाल रहे हैं। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि यस मैम कई वही। सारी चीजों पे हमें टैक्स देना पड़ता है, तो हम उस पे इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करके मार्केट प्राइस तक पहुंचते हैं, और कई सारी चीजों में हमें सब्सिडी मिल जाती है, तो फैक्टर कॉस्ट में उसे माइनस करके हम मार्केट प्राइस पर पहुंचते हैं। आप अगर इस ब्रैकेट की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये देखिए, आप अगर इसे खोलेंगे तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, आप इसे एक अलग पार्ट मानिए। कहाँ है लाइट हाईलाइट करने के लिए, एक ये पार्ट है फैक्टर कॉस्ट प्लस आईडीटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, और एक है फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये दोनों को आप अलग अलग इक्वेशन की तरीके से देख लीजिए, फैक्टर कॉस्ट प्लस आईडीटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख दिया, क्योंकि कई सारे सामान ऐसे हैं जिसपे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, तो हमने उसे ऐड कर दिया, क्योंकि अब आप इकोनॉमी एज अ होल का सोच रहे हैं, आप इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट पे नहीं सोच रहे, तो किसी प्रोडक्ट पे हमें टैक्स देना पड़ रहा है, किसी प्रोडक्ट पे हमें सब्सिडी मिल रही है, तो फैक्टर कॉस्ट में हमने इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया, माइनस किया जितनी सब्सिडी मिली, तब हम पहुंचते हैं मार्केट प्राइस पे। क्लियर? यस मैम। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां से कि रियल ये शुरू हो रहा है नेशनल इनकम की, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, क्या क्या मेथड्स हैं नेशनल इनकम कंप्यूट करने के। तो मैं मेथड के नाम पहले लिख देती हूँ, तीनों तीन मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं हमारी नेशनल इनकम को। अब वो कैसे, हम सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड की। ये जैसे नाम से पता चल रहा है, हम किसी चीज में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, कोई लकड़ी काटने वाला है, वो जा रहा है जंगल में लकड़ी काट रहा है और आके उसे गांव में बेच रहा है, ठीक है। तो अभी तक उसकी जो कोई वैल्यू नहीं थी लकड़ी, हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो अभी तक उस लकड़ी की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसने अपने एफर्ट्स डाल के लकड़ी को विलेज में लाके बेचा 100 रुपए का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उसे 100 रुपए का बेच दिया, तो अब लेकिन आगे जिसे उसने बेचा है वो शहर जाता है, उसे वो 500 रुपए का बेचता है, तो नेट वैल्यू ऐड कितना किया, जो दूसरा जो पहला वाला जो था, जो विलेजर था, जो लकड़ी काट के आया था, उसने कितनी वैल्यू ऐड की इकोनॉमी में, 100 रुपए की वैल्यू ऐड की, क्योंकि अभी तक उसका मतलब उसमें उसे कोई खर्चा खुद से नहीं आया, अभी उसने एफर्ट डाला लेकिन उसका कुछ खर्चा नहीं आया, तो इसीलिए उसने इकोनॉमी में 100 रुपए का वैल्यू ऐड किया। लेकिन जो दूसरे ने उससे खरीदा, वो जब आगे 500 रुपए की सेम चीज बेच रहा है, तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया, 100 रुपए तो उसे पे करने पड़े थे, परचेज प्राइस थी उसकी रॉ मटेरियल की, है ना। तो 500 में से आप 100 को माइनस करिए, वैल्यू एडिशन तो 400 रुपए का ही हुआ। हम अगर मान के चलिए हम इसे बार बार रिपीट, लाइक 100 रुपए हम वहां पे इंक्लूड कर रहे हैं, अगर हम इसे भी पूरा पूरा 500 रुपए ले लें, तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी को इन्फ्लेट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने उसे ले ले लिया है इकोनॉमी में 100 रुपए को, और आगे भी उसे ले रहे हैं, तो वो हम डबल नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ वैल्यू एडिड पोर्शन को अपनी इकोनॉमी कैलकुलेशन में यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लो कि मैंने कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, जैसे सपोज कि मैं खेत में चावल उगाया है ना, तो चावल उगाने पे मेरा कॉस्ट जो भी है, सपोज चावल उगाने में बीज लेगा, मुझे जो कुछ लगा वो कॉस्ट लगा मेरा, उसके ऊपर अगर मैं उसे बेच रहा हूँ मान लो कि 100 रुपए का, तो मैं उसे पहले कर दूंगा कि भाई मुझे 20 रुपए का खर्चा आया, 100 रुपए का मैं बेच रहा हूँ, तो 80 रुपए का मैंने वैल्यू एडिशन किया। और अगर कोई फिर उसी चावल को लेकर के इडली डोसा बना देता है
और उसे वो बेचता है 200 रुपए में, तो 100 रुपए का उसने वैल्यू एडिशन किया, क्योंकि उसने पहले मुझसे 100 रुपए खरीदा और फिर उसे 200 रुपए बेचा, तो 100 रुपए का वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो प्रॉब्लम आएगी अगर हम सबको कैलकुलेट कर ले, कि मतलब अगर 100 रुपया मेरा वाला भी कैलकुलेट कर ले, 200 रुपया उसका वाला भी कैलकुलेट कर ले, तो 2 बार ये चीज ऐड ऑन हो हाँ, दो बार जाएगी। वो 100 रुपए ऐड हो जाएंगे। हाँ, तो इस वजह से हम सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उस पर जो वैल्यू एडिशन होगा उसी को मानेंगे। हर जगह पे, हर स्टेजेस पे, प्राइमरी सेक्टर पे, जैसे वो एग्जांपल था 100 रुपए का, उसने वैल्यू ऐड किया, हम उसका मान लिए। आगे चल के उसने लकड़ी जब बेची शहर में जाके, तब अगर उसे 500 का बेचा, 100 रुपए तो उसने ऑलरेडी उस चीज के पे कर दिए थे, तो 400 रुपए लिए। उसके बाद अगर किसी ने उसे फर्नीचर बना के बेच दिया, अभी तक वो 500 रुपए का सामान था, अब वो 500 रुपए गया आगे फर्नीचर वाले को बेच दिया, वो उसने 1000 में आगे बेचा, तो 500 तो उसका लग गया था। यानी उसने कितना वैल्यू एड किया, 500 रुपए। यानी क्या वो 500 प्लस 400 प्लस 100 इस हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है कि तीन सेक्टर हमारी होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने से एक्टिविटी, मतलब उससे रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, लाइक वही था जो लकड़ी काटने वाला फॉर एग्जाम्पल, वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर से इंगेज्ड है, जा रहा है डायरेक्ट लकड़ी काट के आ रहा है, उसका उसमें कुछ कॉस्ट एज सच नहीं लग रहा है, वो अपने एफर्ट से उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है, लाइक जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, रॉ मटेरियल खरीदती है और उससे फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस करती है, तो वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि हम कहते हैं कि मान लो कि टेबल बना दिया, कुर्सी बना हाँ दिया, हाँ या कुछ खिलौने बना दिए प्लास्टिक के, तो ये सब हाँ हो जाएगा सेकेंडरी 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 सेक्टर। सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर हो गया जो उसके डीलर्स है, अब आगे दुकान में वो पैकेज पैकेज चीजें पहुंच जाती है, ठीक है, वो पैकेज चीजों में इन्हें तो कोई वैल्यू ऐड नहीं करना पड़ता, लेकिन ये फिर भी अपना कॉस्ट वगैरह ऐड करके आगे बेचते हैं, तो ये हमारा है टर्शियरी सेक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस से रिलेटेड काम करते हैं, लाइक आप तक पहुंचाते हैं सामान, लेकिन इनका डायरेक्ट कुछ मैन्युफैक्चरिंग में एडिशन नहीं होता, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम जानते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मन इसके लिए पहले तो फिर लिख दूं क्या मैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप वो स्मॉल कैपिटल जरा देख लेना कि मैं बस अभी लिख रही हूँ, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन, अब मैं इकोनॉमिक टेरिटरी को ईटी लिख रही हूँ, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, अब हमारे देश में ये तो समझ आ गया कि तीन टाइप के सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है। तो जो ये तीनों सेक्टर्स मिलके फाइनल गुड बनाने में मनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लाइक वैल्यू एडिशन जितनी कर रहे हैं विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, लाइक हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर मिलके जितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसे, उस वैल्यू को हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी वो हमारे देश की डोमेस्टिक प्रोडक्ट मानी जाती है, ठीक है। वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी माइनस परचेज प्राइस, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि अगर वही है कि 500 रुपए की चीज आपने कोई 100 रुपए की चीज बेची और आगे वो फर्दर 500 का बेच रहा है, तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई, 500 माइनस 100, यानी 500 माइनस परचेज प्राइस, तो उतनी हो गई हमारी वैल्यू एडिशन, ठीक है। अब क्या होता है, जो वैल्यू हमने जैसे एक गुड्स खरीदा 1000 रुपए का, ठीक है, और वो उसका फिनिश्ड गुड जो है वो 2000, मार्केट में जो आया वो 2000 रुपए का आया, लाइक अब मैं ये सारी चीजें मैं कैसी फोटो भेजेंगे, यहाँ से लेके ना देखे। यहाँ तक, नहीं, यहाँ तक, आप फोटो देखना ग्रुप में मैंने भेजा है।
हाँ स्क्रीन शेयर किया है ना, नजर आ रहा है आपको? तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल डाला हुआ है कि हमने कोई गुड्स परचेज किए हैं 1,000 रुपए का, और फिनिश्ड गुड उसी को हमने कन्वर्ट करके जब आगे मार्केट में बेच रहे हैं तो वो है 2,000 रुपए का। हमने परचेज किया 1,000 का और वो फिनिश्ड गुड 2,000 की वैल्यू रखा है, तो अब उसमें से क्या होगा, इस 2,000 रुपए में फॉर एग्जाम्पल हमने 1,200 का सामान बेच दिया, 400 का सामान हमने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, लाइक हम जो सामान खरीदते हैं दुकानदार भी अगर कोई सामान खरीदता है तो कुछ वो बेच देता है, कुछ सेल्फ कंजम्पशन कर लेता है और कुछ उसके स्टॉक पे पड़ा रहता है। यानी जो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी वो जो हम अगर मान के चलिए हमें पता हो कि फिनिश्ड गुड की वैल्यू 2,000 हो है, तो हम तो डायरेक्ट फिर उसे इकोनॉमी में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वो चीज ना पता हो, अगर हमें सिर्फ इतना भी पता हो कि कितने का सामान हमारा बिका है, प्लस कितना हाउस होल्ड सेक्टर ने कंज्यूम कर लिया, प्लस कितना स्टॉक इन हैंड पड़ा है, अगर इन तीनों को जोड़ दे तब भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया जा सकता है ना। अब क्या है कि हमारे प्राइमरी सेक्टर भी कुछ वैल्यू ऑफ आउटपुट क्रिएट कर रही है, सेकेंडरी सेक्टर है वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्रिएट कर रही है, और टर्शियरी सेक्टर भी क्रिएट कर रही है, और तीनों के अपने कुछ इंटरमीडिएट के खर्चे हैं, यानी बीच के कुछ खर्चे हैं, है ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ प्राइमरी का भी आया होगा, कुछ सेकेंडरी का भी आया होगा, कुछ टर्शियरी का भी आया होगा। इसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्यों कहते हैं, हम इसे ग्रॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें डेप्रिशिएशन वगैरह माइनस करना बाकी है। अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने बीच के जो उनके डायरेक्ट खर्चे आए हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट जो डायरेक्ट आया है उसे तो हमने माइनस किया है, लेकिन आगे भी कई सारे खर्चे, मैं भी आपको डेप्रिशिएशन बताऊंगी क्या होता है, वो सब माइनस होना बाकी है। इसीलिए अभी ही से हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो तीनों की होगी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय टर्शियरी सेक्टर। मतलब बेसिकली मैम, अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि कोई भी चीज में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शरी सेक्टर हो, तो तीनों सेक्टर में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो उसे सिंपल हम लोग कह देते हैं ग्रॉस। कि मतलब ग्रॉस हमें इतना हमने वैल्यू ऐड किया। सपोज ग्रॉस ग्रॉस तब कहते हैं जब उसमें आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया, लाइक अगर उसकी जो परचेज प्राइस, हाँ, मतलब वही कि अगर सपोज कि 100 रुपए का मैंने इडली बनाया, ठीक है, उसमें मुझे 50 रुपए का चावल खरीदना पड़ा, तो ग्रॉस जो वैल्यू एडिशन हो वो 50 रुपए का मैंने किया, क्योंकि 100 रुपए का तो मैंने बेचा है, 50 रुपए का मैंने खरीदा है, तो जो बीच में 50 रुपए मैंने एक्स्ट्रा बनाया है मार्केट में, वो होगा वैल्यू एडिशन। बिल्कुल तो चाहे वो प्राइमरी सेक्टर बना रहा हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर बना रहा हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर बना रहा हो, बिल्कुल तो ये तीनों जो बनाएगा इसे कहेंगे वैल्यू एडिशन, और जो टोटल बनाएगा उसे कहेंगे ग्रॉस, टोटल जो बना रहा है। तो फिर आप सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डेप्रिशिएशन होता क्या है। डेप्रिशिएशन का किसी को बेसिक मतलब पता है क्या होता है? डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है इन नो सिंपल मैम, लैंग्वेज? नो मैम, अच्छा नहीं पता, फिर मैं बताती हूँ। किसी डेप्रिशिएशन चीज होता की है कि वैल्यू कोई में की कमी आ, क्या, किसी चीज की वैल्यू में कमी आ जाना। बिल्कुल एग्जैक्टली, किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना। तो डेप्रिशिएशन क्या होता है, लाइक हमने बहुत सारे गुड्स अपने प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन हर साल आप जैसे से उसकी कंजम्पशन शुरू करते हैं, डेप्रिशिएशन हम बेसिकली लगाते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे। गलत स्पेलिंग है, डेप्रिशिएशन ये हम लगाते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। लाइक अब क्या होता है, अब कुछ सामान हमारे ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ खाने की चीजें हुई, उसे हम सिंपली डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो हमारे एसेट नहीं हुए। एसेट क्या चीज होती है जिससे हमें नजर आ रहा हो कि इससे हमें फ्यूचर में भी इनकम जनरेट होगा। अब वो कैसे पता चलता है, अब जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके पास मैगी बनाने के लिए एक मशीन है, जो मैगी है वो अल्टीमेटली हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसे हम फिक्स्ड एसेट नहीं मान सकते, लेकिन मैगी मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीन उन लोगों ने क्रिएट की है वो जरूर फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि उसका उन्हें आगे भी यूज है, बेनिफिट है, उन्हें नजर आ रहा है कि इससे हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो उन चीजों पे हम लगाते हैं डेप्रिशिएशन। क्योंकि आप देखिए जितना आज वो यूज हो रहा है, मान के चलिए उस मशीन की लाइफ थी 10 साल,
एक साल वो यूज हो गया, उसकी कुछ वैल्यू में गिरावट आई, क्योंकि प्रोडक्ट जो है यूज होने के साथ वियर एंड टियर होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी आती है, खराबी आती है, तो हम उसे टाइम के साथ उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते जाते हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आया। अब डेप्रिसिएशन जरूरत ही क्या थी डालने की, ये लोग सोचते हैं कि डेप्रिसिएशन की आवश्यकता क्या थी। अब ये देखिए, मान के चलिए कि मैं हर साल एक एक मशीन की वैल्यू है 1 लाख रुपए, इसकी मुझे नजर आ रही है कि लाइफ 10 साल है, हम हर साल, अब क्या होता है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का अभी के टाइम पे इंड एस के अकॉर्डिंग, इंड एस हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैलकुलेट किया जाता है, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है कि जितनी प्रोडक्ट की वैल्यू है, लाइक अगर 10 लाख रुपए का सामान है, लिखना ये चीज, कोई सामान है जैसे 10 लाख रुपए का, अब मेरा अजम्पशन ये है कि आगे चल के 10 साल बाद हमें इस मशीन को जो हम कबाड़ में बेचेंगे, तो इसमें से मुझे 10 हजार रुपए तो मिल जाएंगे, 10 हजार रुपए हमें मिल जाएंगे, इसे ब्रैकेट में कर देती हूँ, और इसकी हमने लाइफ कितनी देखी है 10 साल। तो इस हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड हमें कहता है कि इस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, जितना उसका प्राइस है माइनस जितना हमें लास्ट में 10 साल बाद, यानी हमने जितनी भी उसकी लाइफ देखी है उसके बाद अगर हमें कोई उससे मिलता है कबाड़ में, उसका पैसा मिलता है, तो उसे माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय उसकी इकोनॉमिक लाइफ, और अगर वो एकदम बर्बाद और हो गया तो उसका कोई यूज नहीं बचा तो अगर कोई यूज नहीं बचा तो सिंपली इसे जीरो कर देंगे, ठीक है। ठीक है, 10 लाख माइनस 0 बाय 10, ये हमारा क्या आ जाता है पर ईयर डेप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है कि जरूरी नहीं, लाइक अगर मैं आज सोच रही हूँ कि मेरी मशीन की लाइफ 10 साल है, लेकिन अगर मैं 4 साल बाद, 4 साल तक तो चलो मैंने डेप्रिशिएट करा, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल हमने निल इसका जो लास्ट का जो वैल्यू है कबाड़ की वैल्यू है 0 ही रख दिया, बात खत्म, 10 लाख की हमारी मशीन है और इसकी इकोनॉमिक लाइफ हमने देखी कि 10 साल है, 4 साल तक मैंने डेप्रिशिएट किया, इसका पर ईयर डेप्रिशिएशन कितना आया, 10 लाख बाई 10 कितना आया, 1 लाख डेप्रिशिएशन पर ईयर, हमने 4 साल तक डिप्रिशिएट कर दिया, यानी अब तक हमने 10 लाख में से 10 हजार प्लस 10 हजार प्लस 10 हजार प्लस 10 हजार हमने इसकी वैल्यू रिड्यूस कर दी, पांच, अभी जो हमारी 5th ईयर की स्टार्टिंग है इसमें हमारे मशीन की वैल्यू आ रही है 60 हजार, लेकिन अब आके मुझे लग रहा है कि नहीं मेरी जो, हाँ 6 लाख, अब मुझे नजर आ रहा है कि मेरी मशीन की जो वैल्यू है वो 6 लाख है और इसकी लाइफ थोड़ी और है, मतलब अभी तक मुझे जो लग रहा था कि 10 साल इसकी लाइफ है, बट आज मुझे 5वें साल में आके लग रहा है कि नहीं इसकी लाइफ तो 12 साल है, तो कितने बच रहे हैं, हमने 4 साल तो डेप्रिशिएट कर दिया है लेकिन हमारी न्यू इकोनॉमिक लाइफ 12 है, यानी 8 साल में आपको 6 लाख डेप्रिशिएट करना है, 8 ईयर्स, इसे यानी इसका मतलब क्या, बेसिकली रीमेजर कर सकता है, हमें क्या पता कि हमारी मशीन कब तक चलेगी, अभी के हिसाब से तो हमारे 10 साल चल रही है, लेकिन अगले साल को अगर मुझे लगे नहीं ये तो हमने खराब फालतू का मशीन ले लिया ये तो चल ही नहीं रहा, तो हम उसे 1 साल में भी डेप्रिशिएट कर देंगे, यानी डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट हम अपने तरफ से रीमेजर उसे कर सकते हैं, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन का मैं ये इस बात पे आ रही थी कि हम डेप्रिसिएशन आखिर क्यों इंक्लूड करें, डेप्रिसिएशन सबसे पहले ये चीज जानिए कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी इसमें कोई भी कैश जा नहीं रहा, अगर मान के चलिए हम ये नहीं कह सकते ना कि अगर हमारी 1 लाख की मशीन है और उसमें हमने 10 हजार रुपए डेप्रिशिएट कर दिए तो एक्चुअल में तो कोई पैसा नहीं गया ना, पैसा तो नहीं गया, बस खर्चा, हमें पता चल रहा है कि ये खर्चा है, डेप्रिशिएट हुआ है सामान, तो हम अपने तरीके से इसे नॉन कैश एक्सपेंस के फॉर्म में भी उसे रिड्यूस करते हैं, लेकिन तो ऐसा करते क्यों है, इसका रीजन ये है कि आज मान के चलिए मैंने अपनी मशीन की वैल्यू दिखा दी है 10 लाख रुपए, अभी मैं अगले 10 साल तक इसे दिखा रही हूँ कि 10 लाख है 10 लाख है 10 लाख है, यानी इकोनॉमी में नजर आ रहा है कि हमारे पास इतने का सामान अभी भी है, 10वें साल सीधा मेरा मशीन खत्म और मैंने सीधे उसे जीरो कर दिया, अब आप ये देखिए कि पिछले साल और अभी में कितना डिफरेंस आ जाएगा, कि आपके
जो नेशनल इनकम है उस पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, कि आप पिछले साल तक तो कोई चीज दिखा रहे थे कि आपके पास 10 लाख की है, लेकिन इस साल आपके पास कुछ नहीं है, आपका वो जीरो वैल्यू हो चुकी है। इसलिए हम स्टार्टिंग से उसे डेप्रिशिएट करके दिखाता है ताकि बैलेंस्ड वे में चीजें चले। आज कोई सामान 10 लाख की है, हम अगले साल कह रहे कि वो 90 हजार की होगी, 80, ग्रेजुअली हम उसे रिड्यूस करते जा रहे हैं ताकि आप कंपेरिजन में भी वो चीजें बने। समझ आई? मैं दोबारा ये चीज बताऊं कि हाँ क्लियर है क्लियर क्या? हो गया, समझ आ गया। समझ आ गया? ओके ठीक है। तो अब तब हम ठीक है, एक चीज और है इसमें, हमने अभी ये तो जाना कि ग्रॉस हम क्यों कह रहे हैं। ग्रॉस इसलिए कह रहे थे क्योंकि अभी तक उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किए थे, लेकिन जैसे ही हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ग्रॉस नेट बन जाता है। ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन हटाएं तो बन जाता है नेट, यानी जो अभी हम पढ़ रहे थे जीडीपी, अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो बन जाता है एनडीपी। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। अब क्या होता है, हम जीडीपी को गिना, आपने ये सब सुना होगा कि जीडीपी एमपी कुछ होता है, जीडीपी एफसी कुछ होता है, ये क्या चीज होता है? वही जो मैंने आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बताया। जब आप हमारे जो जीडीपी, अगर अभी हम जीडीपी की बात करते हैं, एनडीपी की बात नहीं, जीडीपी में अगर हमने क्या किया है, मार्केट जीडीपी एमपी हम उसे कब कहेंगे, जबकि उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड हो। यानी एमपी क्या था हमारा, प्राइस पेड बाय बायर, हमने कितना पैसा बायर किया, ठीक है, हमने कितना पैसा पे किया, तो वो हो जाता है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। और वही चीज इसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे, आईडीडी को अगर हम माइनस कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, जीडीपी एफ सी, ये हमारा जो है जीडीपी एफ सी, ठीक है। और इसी में अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे, फॉर एग्जाम्पल हम इसे इसमें से हम आगे ही इस चीज को कंटिन्यू करते हैं ना, कंफ्यूजिंग हो जाएगा फालतू में। हमने निकाल लिया क्या, जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू जीडीपी एफ सी। यानी अब वो क्या चीज इसमें समझ आ रहा है कि मार्केट प्राइस में अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया तो हम पहुंच जाते हैं फैक्टर कॉस्ट तक, और ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं एनडीपी, नेट पे, ठीक है। अब आप सारे टर्म को बहुत इजीली समझ पाएंगे, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफ सी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफ सी, ये सारी क्या चीज हो गई। जीडीपी एमपी क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस, हमारे मार्केट प्राइस के हिसाब से, यानी वैल्यू पेड बाय बायर, हमने हमने कितना पैसा उस चीज का पे किया। इससे हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी, लेकिन अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो वो ग्रॉस क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर उसमें से हमने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से। क्योंकि तो आप ये चीज समझ रहे होंगे अभी, अब टाइम के मतलब इतने में आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट प्राइस में जब भी हम आईडीडी को रिड्यूस कर रहे हैं तो हम एफसी पे पहुंच जा रहे हैं, और ग्रॉस में जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं तो हम नेट पे पहुंच जा रहे हैं। तो अब आप सोचिए जरा, जीडीपी इसमें ना आप 1 मिनट का टाइम आपको सोचने के लिए देना पड़ेगा, पॉज होके मैं आपको सारे टर्म यहाँ पे लिख के देती हूँ, और आप सोचिए कि आप कैसे पहुंचेंगे। मैं आपसे ही पूछूंगी कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे, जीडीपी एफसी। स्क्रीन शो हो रहा है जो मैंने अभी लिखा है, वो यस नजर आ मैम, रहा है, ठीक यस मैम, है। तो अब आप ये देखिए, 4 टर्म्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, और मैंने आपको ऊपर में ये दो चीजें और लिख के दी है, वो कैसे मैं करूं, ड्राइंग, यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें और दी है, मार्केट प्राइस माइनस आईडीटी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट,
ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। अब आपको जाना है जीडीपी एमबी से जीडीपी एफसी पे, एनडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पे। तो अभी आप एक बार सोच के देखिए कि आप यहाँ से जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे कैसे जाएंगे। एक बार आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और इस चीज को सोचिए। वैसे ये टर्म आपको क्या क्लियर हुआ? आपको ये जो मैंने अभी बताया टर्म सब, ये आपको क्लियर हुआ? हाँ, सेकंड वाला बता दो, एनडीपी एमपी और एनडीपीएफसी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस तो ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस है क्या? हाँ, वही है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट में क्या है कि ग्रॉस में जब भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे रहे हैं तो हम नेट पे पहुंच जा रहे हैं। तो ये हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हम पहुंच गए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब सिंपल सा, अगर हम ये चारों का मतलब अगर देखना चाहें तो जो जीडीपी हम लोगों ने देखा, जीडीपी का मतलब हम लोगों ने देखा सिंपल सा, जीडीपी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी चीज इनकम हो रही है, उसको जीडीपी कहेंगे। अगर वो मार्केट प्राइस के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि मार्केट में हमें कितना देना पड़ रहा है, जैसे भारत में जितने लोग हैं वो जितना सामान खरीद रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट, अगर हम उस सबको जोड़ देते हैं तो वो जो जीडीपी निकलती है उसे कहते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस के बेस पे। यानी कि मार्केट प्राइस के बेसिस पे ये हम पता लगाते हैं कि अच्छा मार्केट में ये रेट चल रहा है, तो चलो जितना रेट लोग दे रहे हैं इसका मतलब उनके पास उतना पैसा है, इसका मतलब वो उतनी जीडीपी है देश की। और यदि हम वही चीज देखें कि नहीं, हम मार्केट प्राइस पे ना देखने की बजाय उस प्राइस पे देखें जिस प्राइस पे की टैक्स नहीं लग रहा है, बेसिकली जिस प्राइस पे की जो प्राइस प्रोड्यूसर के पास आ रहा हाँ, है, जो प्राइस प्रोड्यूसर के पास आ रहा है, कि सपोज कोई अगर जितनी कंपनी है भारत की उसे जितना प्राइस पड़ रहा है वो सामान को बेचने के लिए, तो हम अगर उसके सारे देश के जितने भी बिजनेसमैन है सबका अगर इनकम को कैलकुलेट कर ले तो हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और यदि फिर हम नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा कि हम लोगों ने जीडीपी तो निकाल लिया, चाहे मार्केट प्राइस पे निकाला चाहे फैक्टर प्राइस पे निकाला, अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकाले हैं उसमें यदि हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, यानी कि कितना वो नुकसान हुआ है सामान का, साल दर साल कितना नुकसान होता है, यानी कि अगर सपोज कोई अगर 100 रुपए का सामान है, पिछले साल उसका 10 रुपए घट गया, उसमें कुछ खराबी आ गई, वो खराब हो गया, तो हम वो 90 रुपए का हो गया। तो ऐसी अगर हम जीडीपी तो है 100 रुपए की, हमें दिख रही है कि 100 रुपए की है, लेकिन एक्चुअल में कुछ चीजें बर्बाद भी हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, तो हम उसमें 10 रुपए माइनस कर देंगे। इसीलिए वो नॉन कैश एक्सपेंस होते हुए भी हम उसे माइनस कर देते हैं। तो इस वजह से फिर हो जाएगा क्या, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी में सिंपल सा हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन को, तो हो जाएगा क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वो अगर मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, और अगर फैक्टर कॉस्ट पे कर रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे हो जाएगा सिंपल डेप्रिसिएशन माइनस करने पर। और डोमेस्टिक आपने किस समझ आई? और डोमेस्टिक हाँ, प्रोडक्ट के बारे क्लियर। में लिखा होगा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज है, जो कि हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मिलके वैल्यू ऐड करते हैं। डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे वो नॉन रेसिडेंट करे चाहे नॉन रेसिडेंट करे। तो अभी हम यहाँ पहुंचे हैं जीडीपी पे। अब लेकिन अगर हम बात करते हैं जीएनपी पे, तो वो हो जाएगा क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी हमारा जो हमारे जो रेसिडेंट्स हैं वो इंडिया में प्लस आउटसाइड इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो गुड्स में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसी को हम कह देते हैं जीएनपी। अब ये भी आप समझ जाएंगे कि ये भी होता है जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी। NNP, आपको ये अभी 8 के 8 टर्म क्लियर होने चाहिए कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या था। हमने लास्ट के डोमेस्टिक, 4 बता दो। हाँ, जीएनपी एमपी वाला। हाँ मैं बताती हूँ। अभी हमने जीडीपी से क्या समझा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने मिलके जो वैल्यू ऐड किया उसे हम कहते हैं जीडीपी। अब अगर हम बात करें जीएनपी की, जीएनपी क्या है, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी हमारे रेसिडेंट चाहे इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में जितना भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
और उसमें भी फिर वही चीजें सेम मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, फिर वही जो एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी, यानी यहाँ पे क्या हो गया, फिर से अगर हमें जी से एन पे आना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, और अगर जीएनपी से, जीएनपी एमपी से जीएनपी एफसी पे आना है तो उसमें हमें क्या करना होगा, आईडीटी माइनस करना हो, आईडीटी प्लस करना होगा। हाँ ये चीज याद रखना है कि हमने पढ़ा था नेट आईडीटी, हमें इसमें नेट आईडीटी प्लस करना होगा। नेट आईडीटी क्या था, आईडीटी माइनस सब्सिडी, क्योंकि तो कुछ चीजों पे हमें टैक्स देना पड़ता है और कुछ चीजों पे सरकार हमें सब्सिडी दे देती है। ठीक है, तो ये 8 टर्म आपके क्लियर हुए। मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट ना आप इस 8 टर्म्स को देखें और समझें कि हम अगर डायरेक्ट हमें यहाँ से वहां जंप करना है तो हम कैसे करेंगे। आपको इसके लिए क्या जी से पता होना चाहिए कि ग्रॉस है, ये जो एन है हमारा ये हमें पता होना चाहिए कि नेट है, डी जो है वो डोमेस्टिक है, और ये जो एन है ये नेशनल है, पी से तो प्रोडक्ट ही है, ये मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सारे अगर आपको इंडिविजुअली एक एक लेटर का मतलब पता चल गया तो आप एक से दूसरे चीजों पे आराम से कैलकुलेशन में जा सकते हैं। अब आप इस आठों के आठों टर्म को एक बार सोचिए, 1 मिनट का टाइम है, आप इसे सोचिए, और अगर कहीं पे भी हल्का सा भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप दोबारा पूछिए। हाँ, मुझे बस ये जानना है कि एनडीपी एमपी से एनडीपी एफसी कैसे निकालेंगे और एनएनपी एमसी से एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी एनएनपी कैसे एफसी पे कैसे निकालेंगे। जाएंगे। ठीक है, हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इसमें से सिर्फ और सिर्फ नेट आईडीटी को लिख देते हैं, वो लिख दीजिए। एनडीपी एमपी, ये हमारा मार्केट प्राइस है। अभी मार्केट प्राइस में हमारी क्या इंक्लूड हो रही है, इसमें हमारा टैक्स भी इंक्लूड हो रहा है और सब्सिडी माइनस हो रही है ऑलरेडी, लेकिन अब हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम इसमें से नेट आईडीटी को माइनस कर देंगे। रीजन क्या, क्योंकि हमारी जो एनडीपी एमपी है ऑलरेडी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेटेड है, मार्केट प्राइस पे हमने आईडीटी को इसमें जोड़ रखा है और सब्सिडी को इसमें से घटा रखा है, तो हमें फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने के लिए ऑब्वियसली आईडीटी को हटाना होगा, सब्सिडी को ऐड करना होगा। एनडीपी एमपी में मार्केट प्राइस में क्या एडेड है, आईडीटी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स एडेड है तो हमने आईडीटी को माइनस कर दिया, और इसमें क्या एडिड नहीं है, हमने सब्सिडी को क्या मार्केट प्राइस पे लिया था, मार्केट प्राइस, हमें तो पैसा नहीं देना पड़ा ना सब्सिडी, लाइक हमने जब कोई प्रोडक्ट खरीदा और गवर्नमेंट हमें उस पे सब्सिडी दे रही है तो वो हमें हमें अल्टीमेटली वो पैसा पे नहीं करना पड़ रहा। मार्केट प्राइस का मतलब ही है मनी पेड बाय बायर, अगर हमें वो पैसा नहीं पे करना पड़ रहा तो हम उसे मार्केट प्राइस में नहीं इंक्लूड करेंगे। तो अभी तक के हिसाब से एनडीपी एमपी में आईडीटी तो थी इंक्लूडेड लेकिन सब्सिडी इंक्लूडेड नहीं था, तो अब हम इसमें अगर सब्सिडी ऐड कर देते हैं तो हम पहुंच जाएंगे एनडीपी एफसी पे। ये दोनों चीज सेम ही है, जो ऊपर है ये नीचे है, दोनों सेम है। सेम है नेट को बस। खाली खोल करके लिख दिया। नेट आईडीटी का मतलब ये है कि टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि कितना इनडायरेक्ट टैक्स जो है एक्चुअली आपस में सब्सिडी, सब्सिडी सरकार कितना दे रही है। बेसिकली नेट को आपने खोल करके ये दो चीज, दो हम टर्म लिख बेसिकली दिया। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक इस हिसाब से पहुंचे क्योंकि मार्केट प्राइस में अभी तक ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स था और सब्सिडी नहीं था, तो हमने इसमें से इसीलिए फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए आईडीटी को हटा दिया और सब्सिडी को ऐड कर दिया। विद्यानंद आपको भी क्लियर हो रहा है ना, आप सुन रहे हो ना? यस मैम, अच्छा समझ आ रहा है सच में, या फिर मतलब काफी आप ज्यादा साइलेंट हुए पड़े हो, तो मुझे लग रहा है कि आप बीच में कहीं कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप हेजिटेट कर रहे हो पूछने में। नहीं समझ आ रही है, थोड़ी बहुत हो जा रही है।
ये वैसे ऐसी चीज है भी थोड़ा सा ना, ये जो पोर्शन है ये टेक्निकल है, इससे तभी मैंने आपको कहा था कि कॉपी पेन अपना लेके बैठना, इसमें आप चीजें जब लिख के रखोगे ना इसे आपको बार बार देखना पड़ेगा, और कभी कुछ बीच में फिर डाउट आए तो आप मतलब पूछ सकते हैं, भैया से भी पूछ सकते हैं, मैं फिर आपको आगे बता दूंगी, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इसे बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि माइंड से उतर जाती है चीजें। तो अब हम अपने नेक्स्ट मेथड ओके की ओर मैम, बढ़ते हैं, इनकम मेथड। इस पेज को क्लियर कर दीजिए। सेकेंड मेथड है हमारा इनकम मेथड। अभी हम किस हिसाब से नेशनल इनकम को हमने कैसे कैलकुलेट किया था? जितनी भी हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें जो वैल्यू एडिशन हुई है, हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुई है उस सब को हमने ऐड कर दिया तो हम पहुंच गए हमारी नेशनल इनकम पे। लाइक टोटल कितना हमारा जीडीपी बना वो हमारा एक वे था कैलकुलेट करने का। अब हम इसी चीज को जानेंगे कि हम इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो आपके जीडीपी में ये फिर आपको लिखना होगा सारी चीजें। मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूंगी लेकिन आप पहले लिख लीजिए। हमारी जो जीडीपी एमबीडी, अब आप ये चीज सोचिए कि हमने अभी तक तो नेशनल इनकम ऐसे कैलकुलेट कर दिया कि वैल्यू एड जितनी हुई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता उस जीडीपी में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी? लाइक ग्रॉस में ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन इंक्लूड था, मैंने जीडीपी एमपी लिखा है तो ऑब्वियसली उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड था। जी है तो इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूड था, एमपी है तो इसमें नेट आईडीटी इंक्लूड था। उसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि उस पे जो वैल्यू ऐड की गई है उसमें कुछ और भी खर्चे हुए होंगे? लेबर ने उस पे काम किया होगा तो लेबर पे कुछ वेजेस जाते होंगे, हमने जिस जगह पे काम किया वहां पे रेंट हमें देना पड़ता होगा, फिर लैंडलॉर्ड को हमने रेंट पे किया। उसके अलावा हम कहीं से भी पैसे अगर लगाते हैं, लाइक अगर हमें बैंक से हमने लोन लिया था तब हमने उस काम पे इन्वेस्ट किया तो हमें उस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसमें एक चीज याद क्या रखना होता है, इवन अगर हमने अपना पैसा लगाया, बैंक से हमने लोन नहीं लिया था, हमने अपना 10 लाख रुपए लगाया, तब भी हम इंटरेस्ट टू कैपिटल को अलग से कैलकुलेट करते हैं। इसलिए क्योंकि हमने 10 लाख अगर बैंक में जमा कर दे तो क्या पता हमें उस पे 3-4% का इंटरेस्ट मिलता, लेकिन क्योंकि हमने उसे अपने काम में लगा दिया तो हमें वो नहीं मिलता। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, तो चाहे आप उसे लोन लेके कहीं और कैपिटल लेके करो या फिर अपना कैपिटल लगा के, हमें उस पे इंटरेस्ट टू कैपिटल इंक्लूड करना होता है क्योंकि या तो हमें पे करना पड़ता है या तो हम उसमें खो रहे होते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट अल्टीमेटली जो बचता है वो जाता है प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर में। यानी ये समझ आ रहा होगा आपको कि जीडीपी एमपी में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमने लेबर को पैसे दिए, लैंडलॉर्ड को पैसे दिए, इंटरेस्ट टू कैपिटल ओनर, प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें मिला के जीडीपी एमपी है। ये चीज आपको ये तो मतलब नॉर्मली कॉमन सेंस की बात है कि ये खर्चा जितना और मार्केट प्राइस अगर हम पे कर रहे हैं किसी को, वो सारा अगर जोड़ा गया है तो ऑब्वियसली उसे बनाने का जितना खर्चा आया, चाहे वहां पर रहने की जगह हो, चाहे लेबर को पैसा देना हो, चाहे जितने प्रकार के उसमें खर्चा आया, जो सरकार को जो टैक्स लगाया हो सरकार ने, सबको मिला हुआ है तभी उसका प्राइस बना। तभी वो कह रहा है आप हमें 100 रुपए दो वरना हम आपको सामान नहीं देंगे, वरना तो हमें फ्री का दे देता वो।
तो इसका मतलब ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है, जितना मार्केट प्राइस जो है उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड। सारी चीजें ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड, तभी हमने इसमें ये भी लिख दिया प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट प्राइस पे, इसका मतलब मार्केट प्राइस पे कुछ अपना प्रॉफिट निकाल करके ही तो लेगा, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी एक बार मुझे आप में से कोई बताइए कि जीडीपी एमपी से हम एनडीपीएफसी पे कैसे पहुंचते हैं। टेक्स्ट कहाँ है, जीडीपी एमपी से हमें पहुंचना है एनडीपीएफसी पे, हम इस पे कैसे पहुंचेंगे। कोई मेरी हेल्प करिए समझने में कि जीडीपी एमपी से अगर हमें एनडीपीएफसी पे पहुंचना है तो हम क्या उसमें ऐड या माइनस क्या ऐसा करेंगे। आप एक एक चीजों को अलग अलग देखना, ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है, तो एमपी पहले से ग्रॉस से अगर नेट पे पहुंचना है तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे सबसे पहला काम। हाँ ठीक है कर दिया। हाँ और हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है, उसके लिए आप बताइए क्या हमें करना होगा। हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा। हम IDT को माइनस करेंगे क्या? नेट IDT हम इसमें से माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे NDPFC पे। चलिए मतलब ये तो कॉन्सेप्ट मैंने बीच में इसीलिए पूछ लिया कि कहीं ये चीज माइंड से बीच में निकल ना जाए। तो हमारे NDPFC में आप मान लीजिए हमने GDP MP से हम NDPFC तक पहुंच गए, क्या इसमें NDPFC में, अरे क्या NDPFC में अब डिप्रिसिएशन और नेट IDT इंक्लूडेड है? नहीं, नहीं है ना, क्योंकि हम तो इसे माइनस करके यहां पे पहुंचे हैं। यानी अब इसके अंदर जो है वो सिर्फ ये चीजें हैं, वेजेस टू लेबर, रेंट टू लैंडलॉर्ड, इंटरेस्ट टू कैपिटल ऑनर एंड प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर। इसके अंदर सिर्फ ये चीजें आ रही है क्योंकि डेप्रिसिएशन और नेट IDT को हटा के ही हम NDPFC में पहुंचे हैं। और इन चीजों को जो मतलब हमारे जो होते हैं रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों ये भी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कभी कभी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऑपरेटिंग सरप्लस किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं रेंट टू लैंडलॉर्ड प्लस इंटरेस्ट टू कैपिटल ओनर प्लस प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। और वेजेस टू लेबर क्या होता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये अलग चीज है। वेजेस टू लेबर को हम कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को मिला के हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब क्या होता है, जो हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कैश में करेंगे या तो काइंड में करेंगे। काइंड का क्या मतलब होता है कि हम उन्हें किसी हिसाब से असिस्ट कर रहे हैं, पर्क्स दे रहे हैं। लाइक कोई मेरा एम्प्लॉय है वो मेरे ऑफिस में काम कर रहा है बट वो कहीं बाहर से आके यहाँ काम कर रहा है, लाइक वो आउट स्टेशन, वो बिहार का है, वो दिल्ली में आके काम कर रहा है और काफी ज्यादा एफिशिएंट है। तो मैंने क्या कहा कि एक काम करते हैं हम आपको ना ऑफिस के पास में ही एक घर दे रहे हैं रहने के लिए, ये दिल्ली में आपको बढ़िया सी जगह पे ऑफिस के पास में एक हम फ्लैट दे रहे हैं रहने के लिए। तो क्या हुआ कि जब हम वैसे उसे खुद का उसे पैसा लगाना पड़ता, लेकिन अभी उसे उसके ऑफिस में रहने की जगह दे दी है। तो जब वो इंसान बाहर जाएगा मार्केट में तो वो देखेगा कि अगर मैं खुद से ये फ्लैट लेके रहता तो मुझे इसका 20,000 रुपए पे करना पड़ता, लेकिन क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर ने ये पे कर दिया है तो इसलिए मुझे पे नहीं करना पड़ रहा। तो उसका वो भी जो इन काइंड भी है उसे भी हम मानते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, हम उसे इंक्लूड करते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैश प्लस काइंड, काइंड में आ जाते हैं सारे पर्क्स। अगर मान के चलो वही हमारे जो एम्प्लॉयर है वो हमें लंच प्रोवाइड कर रहे हैं और वो लंच का प्राइस अगर हम खुद से हम वो लंच खरीदते तो हमें 100 रुपए डेली के देने पड़ते, लेकिन हमारे एम्प्लॉयर ने दे दिया तो हमें वो पैसे अलग से नहीं देने हो रहे। यानी इसका मतलब कि काइंड में भी हमें कुछ कंपेंसेशन मिल रहा है जिसे कि हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब क्या है कि हमें ये तो समझ आ गया, अब कैश में क्या चीज होती है, कैश में कुछ आते हैं हमारे, कैश में दो चीजें होती है, एक तो हमारा बेसिक पे होता है जो हमारी बेसिक सैलरी हुई प्लस अलाउंसेस।
अलाउेंसेस क्या होते हैं, जैसे आपने ये सब सुना होगा हाउस रेंट अलाउेंसेस, यहाँ पे क्या था, काइंड में क्या था, एम्प्लॉयर ने हमें रहने के लिए एक फ्लैट दे दिया, पैसे नहीं दिए, फ्लैट दे दिया, तो वो हो गया इन काइंड वर्क्स। लेकिन अभी कैश में क्या होता है, जैसे बेसिक हमारा जो बेसिक सैलरी है उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलाउंस मिलता है, या तो लंच के लिए मिल गया, या तो हमें घर का रेंट देने के लिए मिल गया, तो इसे हम कहते हैं अलाउंसेस। तो हमारे कैश में बेसिक पे प्लस अलाउंस दोनों इंक्लूडेड है, काइंड में पर्क्स इंक्लूड है। अब उसके अलावा क्या चीज है, हमारे हाथ में क्या होता है कि आज एक एम्प्लॉई है वो कह रहा है कि ठीक है मैं आपके ऑफिस में 20 साल तक काम करूंगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास कुछ पैसा नहीं होगा, तो इसके लिए क्या जुगाड़ है। तो एम्प्लॉयर कहता है एक काम करो, अपना पीएफ कटवा लो आप अपना ना, आपकी अगर सैलरी 1 लाख रुपए है तो आप मुझे ना 10,000 अपनी पीएफ कटवा लो। वो तो कहता है कि उससे क्या होगा, तो एम्प्लॉयर कहता है कि उससे यही हुआ कि आपके जब आप रिटायर हो जाओगे तो मैं आपको वो सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। तो एम्प्लॉय कहेगा कि ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, हमने अपना 10,000 रुपये हर महीने का सेव किया, बैंक में डाला, हमें उसका इंटरेस्ट मिला, हम खुद से हमारा पैसा जमा हो जाएगा। वो तो एम्प्लॉय हमारा कहता है कि नहीं, आप जो पैसे दोगे वो तो दोगे, लेकिन अगर आप अपनी पीएफ कटवाते हो तो हम भी अपनी तरफ से आपके पीएफ में पैसे ऐड करेंगे। यानी क्या हुआ, वो पीएफ का पैसा अभी आपके जैसे सैलरी में, आपकी सैलरी में आप अगर कहीं जाओगे, एक मिनट टेक्स्ट कहाँ गया, आगे टेक्स्ट, आपकी सैलरी जो है उसमें अभी जो है इंक्लूड हो रही है, पहले नॉर्मली समझिए कि अभी अगर आप कहीं पे जाते हैं, आपसे कोई पूछेगा आपकी सैलरी कितनी है, आपका अगर पीएफ 5,000 रुपये कट भी रहा हो, आपका टोटल सैलरी 50,000 है और आपका अगर 5,000 रुपये कट भी रहे हो, तब भी आप अपनी सैलरी क्या बताओगे, आप अपने पीएफ का जो पैसा कट रहा है उसे ऐड करोगे, ऑब्वियस बात है क्योंकि वो भी आप ही की सैलरी है, प्लस आपकी सैलरी वो भी है जो अभी आपके हाथ में नहीं आ रही, लाइक आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी अपने कुछ पैसे कटवा रहा है आपके पीएफ के लिए, वो भी आपकी सैलरी में इंक्लूड होगा, बस वो कैश इन हैंड नहीं होगा, हमारे हाथ में कैश नहीं आ रहा, बट वो हमारी सैलरी का पार्ट होगा। तो जो भी एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है इन कैश और काइंड, उसे हम कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये चीजें क्लियर हो गई। इनकम मेथड को मतलब अगर हम समराइज करें तो बेसिकली कुछ नहीं, सब लोगों के इनकम को हमने ऐड कर दिया, इनकम ऑफ लेबर, इनकम ऑफ लैंडलॉर्ड, इनकम ऑफ कैपिटल ओनर, इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर, इन सब के इनकम को अगर हमने ऐड कर दिया तब भी हम अल्टीमेटली डीडी पे पहुंच रहे हैं। और इससे पहले हम वैल्यू एडिट मेथड से निकाले थे, हमने जितने वैल्यू एडिशन किए अपने प्रोडक्ट को बनाने में उससे भी हम अल्टीमेटली वहीं पे पहुंचते हैं जीडीपी पे। ये चीज क्लियर है, हमें दो दो मेथड क्लियर क्या है। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि डबल बार कैलकुलेशन हो जाएगा, कि हम उसकी सैलरी कर रहे हैं कैलकुलेट, फिर उसकी सैलरी कर रहे हैं कैलकुलेट? आप इकोनॉमी एज अ होल का सोचिए ना, इकोनॉमी एज अ होल का अगर सोचेंगे तो वो डबल कहाँ से, आप मतलब क्या कहना चाह रहे, कहाँ से डबल मतलब होगा। जैसे आपने बताया था ग्रॉस वैल्यू एडेड में डबल प्रॉब्लम होती है, कि दो बार कैलकुलेट हो जाता है, इसीलिए हम वैल्यू एडेड को देखते हैं, ताकि मतलब यहाँ पे आपको ऐसा ना हो जाए कि हम फर्स्ट लेवल वाला भी देख ले और सेकंड लेवल का भी जोड़ ले। मतलब कि अगर सपोज कि किसान है, किसान ने अगर 100 रुपए में कोई चीज प्रोड्यूस किया, उसे बेचा 200 में और उसे फिर बेचा आगे वैल्यू ऐड करके 300 में, तो अगर हम तीनों को बार बार कैलकुलेट करेंगे, 100 को भी जोड़ लेंगे जीडीपी में भी, 200 में को भी जोड़ लेंगे, 300 को भी जोड़ लेंगे, तो प्रॉब्लम होगी। तो उसमें आपने कहा था नहीं, जो लास्ट वाला है आप उसे देखना कि फाइनल वैल्यू एडेड कितना है, और फिर बीच वाले का देखना उसे वैल्यू एड कितना नहीं, किया। यहाँ पे यहाँ इसीलिए इसका उसका नाम ही था वैल्यू एडेड मेथड और हाँ इसका नाम ही है इनकम मेथड, यानी जब जिसके हाथ में जो इनकम आ रही है वो हमारे जीडीपी का पार्ट बनेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। चाहे वो किसी भी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे हो रहा हो, सेकेंडरी लेवल पे हो रहा हो, चाहे टर्शियरी लेवल पे, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन का मेथड ही रखे हैं इनकम मेथड। मतलब सिंपल सा, मतलब ये दो तरीका अभी तक हम लोगों ने देखा। अगर वैल्यू एडेड मेथड देखा, तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं, अगर वो कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो उन सबको जोड़ दो तो हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। और यदि हम लोग ये देखें कि जितने भी लोग सैलरी पा रहे हैं, चाहे वो 10 रुपए कमा रहे हो, चाहे 10 लाख, 10 करोड़ कमा रहे हो, उन सबको अगर हम जोड़ दें, तब भी हम जीडीपी ही पहुंच पहुंचेंगे जाएंगे इनकम इनकम मेथड से। तो मेथड से, इसलिए दो अलग अलग मेथड है। मेथड है। और अभी एक और मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, अगर ये दोनों मेथड क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगी।
ये तो मैं थर्ड क्लियर है। क्लियर है। विद्यानंद आपको भी क्लियर है? यस मैम, थोड़ी बहुत। ठीक है, फिर मैं एक्सपेंडिचर मेथड पे अब आगे बढ़ती हूँ। और अगर आपको फिर बीच में आप पढ़ते टाइम में कोई डाउट आए तो आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी आपके बोलने से कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। विद्यानंद मैं आपको कह रही हूँ, आपके बोलने से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा कि आपको समझ आ रहा है। तो आप इन चीजों को एक बार खुद से भी अभी ध्यान से सुनना, बाकी खुद से भी पढ़ना, और जहां प्रॉब्लम आए वहां पे पूछना। ठीक है, तो अब यस मैं आगे मैम, ये बढ़ती हूँ। फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ना, तो ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा। एक बार फिर से देखूंगा, फिर तो आ जाए, क्लियर हो हाँ, और ये जाएगी। तो वीडियो भी आप डालते हैं यूट्यूब पे, तो आप दोबारा भी इस चीज को देखना, साथ में रेफर करना अपना। आप शायद कुछ अगर लिख रहे होगी तो वो भी रेफर करना, आपको चीजें फिर समझ आएगी। ठीक है, तो अब यस मैं मैम, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ फिर एक्सपेंडिचर मेथड पे। फिर से हम आते हैं वैल्यू एडेड मेथड पे। वैल्यू एडेड मेथड में क्या था? सम ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ऑल सेक्टर्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसी को हम कहते हैं जीडीपी। यानी जितना हमारा फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसी को हम कहते हैं जीडीपी। उसी वैल्यू एडिशन को हमने जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में। फैक्टर पेमेंट्स हमारे क्या थे? फैक्टर पेमेंट इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जब इस फॉर्म में हमने उसी वैल्यू एडिशन को, क्योंकि वही हमारी जीडीपी थी, उसी जीडीपी को हम इनकम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसी को हम कहते हैं इनकम मेथड। अब एक जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। उसमें क्या हो रहा है, अब आप एक चीज देखिए, जब भी हम कोई फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड क्या होता है? जो हमने कंज्यूम कर लिया, ये बात मैंने आपको एक बार और बताई थी। और कैपिटल गुड्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, लाइक जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, हमारी मशीनरीज है, जिससे कि आगे भी हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नजर आ रहा है। अब क्या है कि कंजम्पशन भी क्या हो रहा है? कंजम्पशन हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में भी हो रहा है और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी में भी हो रहा है। आप इस बात को ध्यान से सुनना कि कंजम्पशन जो है, जो कंजम्पशन गुड्स हैं, वो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी में भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे देश में आज कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लोग यूज नहीं कर रहे हैं, आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट भी होता है देश से। तो यानी हमारे देश का सामान जो है वो विदेश में जाता है, हमारे आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी में जाता है, तो वहां पे भी कंज्यूम हो रहा है। उसी को हम कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और जो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर भी जो कंजम्पशन हुआ है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर ने भी कंज्यूम किया है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है? जितने प्राइवेट कंपनीज है प्लस हाउस होल्ड्स, हम जितने भी हाउस होल्ड्स में जितना कंजम्पशन हो रहा है वो, प्लस प्राइवेट बिजनेसेस जो है, ये कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। और जो गवर्नमेंट चीजें परचेज करते हैं वो लेती है, उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन। ठीक है, तो अब हमें जीडीपी, हमें फिर जीडीपी एमपी निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। पहले मैं ये पूरा लिख देती हूँ। हमारा जितना भी अभी तक सामान बना था, हमारी जितनी भी जीडीपी थी, उसमें वो कैसे यूटिलाइज हुई है? या तो उसे प्राइवेट सेक्टर ने कंज्यूम कर लिया, या तो उसे गवर्नमेंट सेक्टर ने कंज्यूम कर लिया, या तो हमने उसे एक्सपोर्ट कर दिया, या हमने उसे इन्वेस्टमेंट कर दिया इन फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसी तरीके से वो यूटिलाइज हुई होगी, इसमें यही सारी चीजें शामिल होगी जीडीपी में, है ना? और माइनस कुछ इंपोर्ट हुआ होगा, बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, उसे कहते हैं नेक्स्ट नेट एक्सिम। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, नेट एक्सिम।
बेसिकली जो ऊपर आपने जितना भी लिखा वो सब सिंपल है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर हम सामान्य भाषा में ये समझे तो। हाँ, नहीं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ही नहीं, बाकी जो अपने हमारा जो प्रोडक्ट बना हाँ है वो हमने खुद ने भी, प्राइवेट सेक्टर ने भी कंज्यूम किया है, गवर्नमेंट सेक्टर ने भी कंज्यूम किया है, उसके अलावा काफी सारे सामान को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, हमारी काफी सारी चीजें हमारे इन्वेस्टमेंट है, लाइक हमने जो फिक्स्ड एसेट बनाया है वो तो हमारे एज ए इन्वेस्टमेंट अभी भी है ना, वो ना हमने एक्सपोर्ट किया है ना कंज्यूम किया है, और बहुत सारी चीजें हमने इम्पोर्ट की है। तो यही आपको ये चीज समझ आ रहा होगा कि हमारे जीडीपी पे हम कितने नजरिए से इसे देख सकते हैं। कभी हमने इस नजरिए से देखा कि जीडीपी इनकम के फॉर्म में जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कभी हमने इस हिसाब से देखा कि जीडीपी बनी ही है वैल्यू एडिशन से, अभी हम इस फॉर्म में देख रहे हैं कि जीडीपी कितने तरीके से यूटिलाइज हो रही है। जब अगर हम प्राइवेट सेक्टर की यूटिलाइज, जो प्राइवेट सेक्टर कंज्यूम कर रही है प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर कंज्यूम कर रही है प्लस जो एक्सपोर्ट हो रहा है प्लस जो हमारी इन्वेस्टमेंट है माइनस जो हमने विदेश से इम्पोर्ट किया है, ये सारी चीजें अगर हमने इकट्ठा कर दी तो वही हमारा जीडीपी बना रही है। बेसिकली अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो ये एक लाइन में ये होगा, मतलब कि हम जितना खर्चा कर रहे हैं ठीक है, वो बेसिकली हो गया जीडीपी वाला एक्सपेंडिचर मेथड, सिंपल खर्चा जो हम कर रहे हैं, क्योंकि खर्चे में हम चाहे हाँ, गवर्नमेंट चाहे वो प्राइवेट सेक्टर खर्चा कर रही हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर खर्चा कर रही हो, चाहे हमें एक्सपोर्ट करके कुछ बेनिफिट आ रहा हो, चाहे हम इन्वेस्टमेंट पे कुछ खर्चे कर रहे हो, माइनस जो हमारी इम्पोर्ट है, क्योंकि वो भी खर्चा है, क्योंकि वो वहां वो लोग खर्चा कर रहे हैं हमें बिल्कुल देने के यहाँ लिए। हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, ये हमारे तीनों मेथड्स थे। क्या इंडिया में हम कौन सा यूज करते हैं, इंडिया इंडिया में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं तीनों में से ज्यादा? तीनों में से आप कोई सही मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा मेथड है वो हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि क्या है ना कि हम इंडिविजुअली कौन से लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे कौन सा वैल्यू एडिशन हुआ, सेकेंडरी पे कौन सा हुआ, हम इस चीज को ट्रैक बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। तो ट्रैकिंग के नजरिए से सबसे इजी हमारे लिए रहता है कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना कंज्यूम कर लिया, क्योंकि मार्केट में जितना प्रोडक्ट बना, दुकान में जितना गया, उसमें से कुछ प्राइवेट सेक्टर ने कंज्यूम कर लिया। गवर्नमेंट को अपना ही पता होता है कि हमने कितना कंज्यूम किया, और ये बात भी आप लोग को अच्छे से पता है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे तो सरकार की बहुत अच्छे से नजर रहती है कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है कितना इम्पोर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजों का डाटा बाकी चीजों के कंपैरेटिवली ज्यादा इजीली अवेलेबल है, होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा भारत में यूज किया जाता है एक्सपेंडिचर मेथड को। बाकी ये तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज किया जा सकता है, और तीनों की अपनी यूजफुलनेस है, लाइक मतलब सबका आपको अलग अलग, अभी आपको वही देखना है ना कि अगर इनकम के पर्सपेक्टिव से जानना है कि किसे कितनी इनकम जा रही है, किस सेक्टर में, लाइक लेबर्स को कितना जा रहा है, इंटरेस्ट में कितना जा रहा है, तो आपको उस नजरिए से जब देखना हो तो आप उस फॉर्म का यूज करोगे, उस मेथड का यूज करोगे, तो वो बात है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस तरीके से आप बेसिकली जाओगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जीडीपी पे पहुंचना है तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड एक्सपेंडिचर मेथड है। ओके थैंक यू। ठीक है, और ये अगर मतलब जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट क्यों करते हैं? वही बात है ना, मैंने आपको एक चीज बताया था अभी ही कि अगर हम उसे हम नेट पे नहीं लाते हैं तो क्या होगा, आज हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूडेड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या चीज है हमारी, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को आज हम लोग कह रहे हैं कि इसकी 10 साल लाइफ है, 1 लाख रुपए का सामान है, इसकी 10 साल लाइफ है। तो हमने 10 साल तक तो दिखाया कि हमारे इकोनॉमी में आज 1 लाख रुपए की चीज जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, हमने 10ों साल तक दिखा दिया, और 12वें साल में वो जीरो हो गया सीधे। तो वो आपका कंपैरिजन बहुत ही गलत हो जाएगा कि आपका पिछले साल तक 1 लाख और सीधे आपका खत्म हो गया। तो आप उसे ग्रेजुअली रिड्यूस करते हो, आप डेप्रिशिएट करके उसे रिड्यूस करते जाते हो। तो आप वही है, हर चीज का मेथड है। अगर आपको डेप्रिशिएशन, आप कई लोग कहते हैं कि जो डेप्रिशिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हमें बिना उसके एक बार देखना है तो हम जीडीपी निकाल देते हैं। लोग कहते हैं नहीं, हमें एक्चुअल में देखना है कि कितना, मतलब टोटल कितना रिड्यूस हो गया, क्या नुकसान हुआ, तो उसके लिए हम पहुंच जाते हैं एनडीपी पे। क्लियर? ठीक है, अब डिस्पोजेबल इनकम हमारी क्या होती है, अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, उसमें ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे नेशनल इनकम में नहीं आते। डिस्पोजेबल इनकम में कुछ आता है हमारे अर्न्ड इनकम प्लस अनअर्न्ड इनकम,
जहां पे हम अर्न को इस हिसाब से समझेंगे कि जो हमने मेहनत की कमाई से कुछ हमने वैल्यू ऐड करके जो हमने पैसे कमाए हैं वो तो हमारे होते हैं अर्नड इनकम। लाइक मैं कहीं जाती हूँ ऑफिस में, वहां काम करती हूँ, मुझे उसके बदले पैसे मिलते हैं, वो हमारा होता है अर्नड इनकम। लेकिन अनअर्नड इनकम क्या होता है? रेमिटेंसेस, मैंने मैंने बाहर से अगर कोई आ रहा है पैसा। हाँ बाहर से कोई पैसा आ रहा है, कि आ रहा है अगर उसे कहते हैं क्या, हम उसका भी ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड। या हाँ फिर ट्रांस रेमिटेंस सिंपल हाँ लैंग्वेज में। सिंपल रेमिटेंस भी कहते हैं, बाकी हम ट्रांसफर के रूप में फॉर्म प्रेजेंट करते हैं। और उसमें क्या चीज एक और आती है, लॉटरी। लाइक अगर मेरी लॉटरी लग गई तो वो उसमें मेरी कोई मेहनत की कमाई नहीं है, तो वो हमारा होता है अनअर्न इनकम। तो अनअर्न इनकम को हम नेशनल इनकम में नहीं डालते। तो चाहे वो ट्रांसफर हुआ विदेश से, हमें पैसा कोई आया, या फिर चाहे हमने कोई लॉटरी से जीता, जो हमने अर्न नहीं किया, हमने मेहनत से जो अर्न नहीं किया, उस पैसे को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। वो किसी इसका किसी रीजन क्या है? मेथड में या फिर सिर्फ किसी भी एक्सपेंडिचर में? मेथड में, ये अब हम ओवरऑल पे आ गए हैं, डिस्पोजेबल इनकम पे ओवरऑल आ गए, वो चीजें खत्म हो गई, तीनों ओके मेथड्स ओवर। अब हम न्यू चीज पे आ रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम में क्या होता है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि हम जो पैसा खर्च कर सकते हैं, लाइक मेरे हाथ में मेरे कमाए हुए 50,000 प्लस मेरे लॉटरी में जीते हुए 20,000 रुपए हैं, तो मेरे पास खर्चा करने के लिए तो 70,000 रुपए हैं। लेकिन मैंने देश को कंट्रीब्यूट कितना किया, मैंने जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट किया, जितना मैंने वैल्यू ऐड किया उतना ही ना। लाइक मैंने 50,000 के लिए काम किया, मैंने काम उसके बदले किया, तब मैं उसे अपने जीडीपी पे कैलकुलेट कर रही हूँ। लेकिन जिस चीज का मैंने वैल्यू ऐड किया ही लॉटरी के टिकट को तो खरीदा हम लोगों ने। नहीं टिकट के खरीदने को आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि मेहनत की कमाई है। फिर तो जो हमें विदेश से ट्रांसफर पे पैसे आते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा आ जाता होगा महीना, हम उसे इंक्लूड नहीं करते। तो आप वैल्यू क्या ऐड करें, लाइक उसमें कुछ भी नहीं, देश के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, कुछ सामान आप एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर रहे, वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम उसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेन पर्पस ही यही है कि हम क्यों जीडीपी। अच्छा ये चीज आप लोग को ज्यादा अच्छे से बताओगे, यूपीएससी स्टूडेंट है, जीडीपी कैलकुलेट करने का हमारा मकसद क्या होता है बताइए। क्या मकसद होता है जीडीपी, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, कोई आइडिया विद्यानंद? आप बताओ। आप बताइए जीडीपी क्यों करता है, ओके बताइए। देखो, बेसिकली हमें ये जानना होता है कि भारत में या कोई भी अपना अपना देश जो कोई भी है उसमें कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। जैसे आज अगर भारत जो है, हम कहते हैं कि भारत जो है इसी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हमें 5 ट्रिलियन बनना है, 10 ट्रिलियन बनना है, तो ईयर और ईयर जो ग्रोथ हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि भाई हमारे देश की इनकम हो कितनी रही है। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए हम जीडीपी का यूज करते सबसे हैं। बड़ी बात जो इसमें आपने बोली है वो है, बोलिए ग्रोथ की। हम इससे ये देखते हैं कि हमारे देश की जीडीपी, हम मेनली से देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि देश में ग्रोथ कितनी हो रही है। अब क्या जो चीज हमने जिस चीज से हमने कुछ वैल्यू ऐड किया ही नहीं, जो हमें फ्री की मिल गई लॉटरी में, हमें कुछ नहीं, हमारा लक बाय चांस हम जीत गए और हमें पैसा आ गया, क्या हम उससे कह सकते हैं कि हमने कोई वैल्यू ऐड किया, हमने देश में कुछ ग्रोथ हुआ है, उससे देश में कोई ग्रोथ हुआ? ग्रोथ तो नहीं, वो देश ऑब्वियसली में कोई ग्रोथ नहीं हुआ। जीडीपी होता ही क्या कि नेट जितना भी हमारा कंजम्पशन हुआ हो, बेसिकली कंजम्पशन जितना हुआ हो, तो क्या लॉटरी का कंजम्पशन है? लेकिन हाँ, जो लॉटरी का मालिक है उस वो तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ बिल्कुल लॉटरी का मालिक जो, उसका ऐड होगा बिल्कुल, उसका बिल्कुल जीडीपी में, क्योंकि उसने कुछ ऐड किया है, बिल्कुल, लेकिन हमारा नहीं है, हमारा हमने नहीं। हाँ उसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा आता है डिस्पोजेबल इनकम। इसमें यही चीज है कि दो पार्ट है, एक है अर्न जो कि नेशनल इनकम में आती है, एक होता है अनअर्न जो कि नेशनल इनकम में नहीं आती। अब एक चीज क्या है, हमें पहुंचना है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पे। इसमें क्या चीज होती है, रियल जीडीपी क्या होता है कि फिर मुझे पता है, नॉमिनल जीडीपी से शुरू करते हैं, डिलीट कर। उसे हटा दीजिए। हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 और एक है 2022-23। 2022-23 में हमने ये देखा, टोटल जो हमारा इंडिया है उसमें 1,000 किलो प्रोडक्शन हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और उसका प्राइस जो है वो
उसका जो प्राइस है वो है 120 रुपए पर केजी। ऐसे कर लेता हूँ। जी करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखती हूँ, हमारा क्या एग्जाम्पल था कि 1000 किलो हमारी टोटल इंडिया में प्रोडक्शन हुई है और उसका प्राइस था 120 पर केजी। तो टोटल जो हमारा जीडीपी है वो कितने का हो गया, 1000 केजी इंटू 120 रुपीज, कितना हो गया 120, 1, 2, 3, यानी टोटल हमारे हिसाब से जीडीपी हुई हमारी 1,20,000। और लास्ट ईयर क्या था कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो थी 900 केजी की और प्राइस था हमारा 100 पर केजी। हमारा एग्जाम्पल चल रहा है, कितना भी कुछ हो सकता है। और तो हमारा लास्ट ईयर का कितना था जीडीपी, 90,000 रुपीज। ठीक है, अब आप एक चीज क्या देखेंगे कि जो हमने अभी जो हमने जीडीपी कैलकुलेट किया है इस फाइनेंशियल ईयर की, इसमें हमने क्या किया है कि सेम हमने एग्जांपल में ये लिया है कि 1000 किलो, ये जो है दोनों प्रोडक्ट सेम है। पिछले ईयर जो 900 केजी का प्रोडक्ट था, यही प्रोडक्ट अभी 1000 केजी वाला है। हमने इसमें अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा क्वांटिटी है उसमें हमने मल्टीप्लाई किया है प्राइस को। क्या हुआ है कि उससे अगर हम, आप ये देखेंगे कि एक्चुअल में हम जीडीपी में ना क्वांटिटेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइस इफेक्ट के। क्योंकि प्राइस क्या है ना कि चीजों का, आज मैं अपने मन से कह दूं कि ये सामान 100 रुपए का है, कल 130 का हो जाएगा। हम कभी भी जीडीपी में कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ना शो करें। अब इन्फ्लेशन की वजह से अगर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कि हर साल इन्फ्लेशन हो जाता है, तो आप अगर सामान आपके आपके देश में प्रोडक्शन तो हो रहा है 1000 की भी, हर साल ही, इस साल भी 1000 हुआ, अगले साल भी 1000 हुआ, लेकिन आपने पिछले साल दिखाया कि 1000 किलो का प्रोडक्शन हुआ 10 रुपए के हिसाब से, यानी 10,000, और इस साल 1000 किलो का प्रोडक्शन हुआ 12 के रूप में हिसाब से, यानी 12,000। तो यानी इसमें आपकी जीडीपी एक्चुअल में नहीं बढ़ी है, एक्चुअल में आपका प्राइस की इन्फ्लेशन के वजह से वो 2,000 रुपए जीडीपी में आप शो कर रहे हो। ये हमारी होती है नॉमिनल जीडीपी, जो कि जिसमें हम प्राइस इफेक्ट को लेते हैं। जो हमारी होती है रियल जीडीपी, उसमें हम प्राइस इफेक्ट को नहीं लेते हैं, उसमें हम मान लेते हैं कि बेस ईयर, फॉर एग्जाम्पल हमने बेस ईयर अगर मान लिया 2021-22 को, तो उसमें क्या था प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए पर केजी। हम उसी हिसाब से इस साल का भी 2022-23 का भी हम बेस ईयर के हिसाब से जो हमने 1000 केजी प्रोडक्शन किया है उसे हम 100 रुपए पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का हमारा जीडीपी आया। लास्ट ईयर कितना था, 90,000। इस ईयर कितना है, 1 लाख। तो हमारा जो इंक्रीज इन जीडीपी हुआ है वो 10,000 हुआ है, ना कि 30,000, जो कि नॉमिनल जीडीपी को अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 1,20,000 की जीडीपी हो रही थी। बट क्योंकि उसमें प्राइस इफेक्ट भी इंक्लूडेड है तो हम उसे नहीं लेते हैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ हमारे 30,000 जीडीपी ना बढ़ के एक्चुअल में सिर्फ 10,000, वही है ना, हाँ सिर्फ 10,000 की जीडीपी बढ़ी है। ये चीज समझ आई, ये इसे कहेंगे नॉमिनल, इसे नॉमिनल, रियल, ये होगा रियल। देखो हाँ जो हमारा, सिंपल सा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर ये कहूँ तो क्या सही होगा कि जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। रियल का मतलब है जो रियल में एक्चुअल में जो जीडीपी है। इसका मतलब जैसे अगर नॉमिनल की यदि हम बात करें तो पहले 4 साल पहले, 5 साल पहले अगर कोई चीज जो है 100 रुपए की थी, आज वही चीज अगर बढ़ करके 200 की हो चुकी है और प्रोडक्शन मान लो उतना ही हो रहा है। जैसे खेत है, खेत में ऐसा तो नहीं है कि भाई बढ़ता जा रहा है प्रोडक्शन, बढ़ता जा रहा है। 1000 किलो अगर गेहूं उगना है तो 1000 किलो ही उगेगा, लेकिन प्राइस तो गेहूं का बढ़ता जाता है। सपोज बिल्कुल 5 साल पहले उसका 100 रुपए का था प्राइस, तो 1000 किलो के हिसाब से वो हो गया उसका रेट। अभी 1000 किलो ही है लेकिन अब ये 200 रुपए किलो हो गया,
है, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एक्चुअली में कि जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन तो एक्चुअल ये ऐसा नहीं है। एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि वो महंगाई बढ़ गई है, एक्चुअल में इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ गया है। इसलिए रियल जीडीपी जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पीरियड को ले जाकर के, पास्ट में एक बेस ईयर फिक्स कर लेंगे, उस टाइम पे जितना प्राइस था, उस टाइम पे जितना रेट था, हम वही रेट आज के डेट में भी इस्तेमाल करेंगे, तब देखेंगे अगर आपका जीडीपी बढ़ा है तो हम मानेंगे कि हाँ रियल जीडीपी बढ़ा है, और अगर नहीं बढ़ा तो हम कहेंगे ये तो भाई नॉमिनल जीडीपी देखने में आ रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं। हाँ, और इसीलिए रियल जीडीपी जो है वो बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्योंकि इसमें प्राइस इफेक्ट को हम नहीं देखते, चाहे इन्फ्लेशन हुआ चाहे डिफ्लेशन हुआ, हम इसे इंक्लूड नहीं करते। इसी वजह से रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अब बाकी हम ये जब सारी चीजों को कंक्लूड कर ले, तो हम एक चीज सोचिए कि हम जीडीपी को हमेशा, जीडीपी हमें सही एकदम, आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारी जीडीपी है वो एक्चुअल में ग्रोथ दिखा रही है। क्यों? उसके कुछ रीजंस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी किस हिसाब से हो रहा है? लाइक ऐसा होता है कि हम जीडीपी में तो सब लोगों का इनकम देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपको पता, ये चीज होगा कि मेजोरिटी जो इनकम है वो तो कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है, और बाकी लोग, जनता जो है वो गरीब होती है। तो वो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी है, इस वजह से हम जीडीपी को डायरेक्ट हम ग्रोथ से रिलेट नहीं कर सकते। ये अब हम उसके आ रहे हैं, लाइक हमने सब कुछ कर लिया, इकोनॉमिक्स के टर्म में हम सब समझ लिए, बट हम लास्ट में कंक्लूड करें कि जीडीपी में भी बहुत सारी कमियां हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि जिस देश की जीडीपी बहुत बहुत अच्छी हो, उस देश की कंडीशन, उस देश के लोगों की भी कंडीशन बहुत अच्छी होगी, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वही एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी, उसके अलावा चेंज इन प्राइस जो मैंने आपको बताया, नॉमिनल जीडीपी में हम चेंज इन प्राइस भी लेते हैं। अब वही 5 साल पहले कोई चीज सस्ती थी, आज वही चीज महंगी मिल रही है, बट प्रोडक्शन पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, लेकिन हमारे जीडीपी पे नजर आ रहा है, नॉमिनल जीडीपी में नजर आ रहा है कि इतना ग्रोथ हो गया, बट एक्चुअल में नहीं हुआ। तो ये भी एक बात है जिससे हम जीडीपी को नहीं बहुत ज्यादा इसे कह सकते कि ये ग्रोथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा एक्सटर्नलिटीज, हम सारी प्राइसेस को तो कैलकुलेट कर लिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट कर लिए, उसके अलावा जितने हमारे खर्चे हो गए उसे हमने हटा दिए, लेकिन उससे जो हमारे इन्वायरमेंट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं उससे हमारे पॉल्यूशन कितना फैलता है, हमारे फॉरेस्ट को जो हम डिफॉरेस्टेशन जो करते हैं उससे लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत नुकसान होता है, हम उस चीज को जीडीपी में कंसीडर नहीं करते। हम देखते हैं, हमें लगता है कि वह बहुत ग्रोथ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा ग्रोथ से ज्यादा लॉस हो चुका हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हम इस चीज को इंक्लूड नहीं करते जीडीपी में। उसके अलावा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब हमारी जीडीपी तो बढ़ते जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या पर कैपिटा इनकम पे कोई फर्क आएगा? नहीं बल्कि वो और डाउन चला जाएगा। अगर हमारी इकोनॉमी, जीडीपी, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बजाय और कम होते जाएगा। तो बस कुल मिला के ये मेन चीजें थी डिस्कशन का पॉइंट। बिल्कुल, हाँ, नेशनल इनकम पूरा ये कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से, और इसमें अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं आराम से। छाया दी आप, या फिर विद्यानंद आप, अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। अभी नहीं पूछना है मुझे, बट हाँ पढ़ने के बाद दोबारा रिवीजन के बाद अगर मुझे प्रॉब्लम आए तो मैं जरूर पूछूंगी। हाँ, जरूर विद्यानंद, आपने भी देखा पूरा लेक्चर ध्यान से? विद्यानंद सो चुके हैं लगता है, नींद आ गई उन्हें, कोई इशू कोई नहीं। बात नहीं, चलिए ठीक है, मेरे तरफ से ये क्लास अभी कंक्लूड हुई। आप कुछ अगर कंक्लूड, मैं ऐड ऑन जो कर देता हाँ कर दीजिए ऐड ऑन। हूँ, ऐड ऑन तो वैसे कुछ नहीं करना, पता नहीं कितना समझ आया कितना नहीं, आई डोंट नो। और मुझे लगता है अगर आपको दोबारा से समझना है तो एक छोटी सी क्लास, मतलब जैसे कल क्लास हम लोग करेंगे तो उसमें हम 10-15 मिनट मैं कोशिश करूंगा कि इसे समराइज कर दूँ एक इजी लैंग्वेज में, ताकि एक समराइज्ड वे में आपके पास चीजें कंटेंट हो जाए, ताकि एक्चुअल में क्या चीज है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 10 मिनट कल जो है आप एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि आपको चीजें दोबारा से ध्यान में आ जाए, और 10 मिनट के लिए मैं कल फिर पूरा कंक्लूड कर दूंगा एक सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो इतनी ज्यादा।
तो इसे कंक्लूजन का काम करूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा इसमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा। नेशनल इनकम का जो ये चीज है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, हाँ ये और अगर थोड़ा ये चीज, टेक्निकल है। ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर ये चीज समझ आ गई हमें तो फिर आगे के सारे कंसेप्ट जो है ना हमारे बहुत ही इजी हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह वो बार 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 GDP, GNP, पता नहीं एक ही चीज NNP सब बकवास करते रहते हैं न्यूज़पेपर में। हाँ आप अभी भी जैसे अभी लेक्चर ओवर हो गया तो आप ये जो 8 टर्म्स थे GDP, GNP, FCMP, NNP ये सारे टर्म्स को आप लोग दोबारा एक बार ध्यान से देख लेना, और कैसे हम किससे कहाँ पे क्या ऐड करने पे क्या माइनस करने पे कैसे पहुंचते हैं, ये चीजें आप लोग 4-5 मिनट देख के थोड़ा और ध्यान से देख लेना। क्योंकि अगर एक बार आपकी वो चीज क्लियर हो गई ना तो जहां पे भी आपकी आप डिस्कशन में लाइक आप इकोनॉमिक्स अब आगे पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ने वाले हो तो उसमें जहां पे वो टर्म आएगा आपका तुरंत क्लिक करेगा, हाँ इसका मतलब इसमें वो चीज नहीं है, इसका मतलब इसमें वो चीज है, तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। अगर आपका नेशनल इनकम क्लियर हुआ तो आपको आगे इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ पूछना है अभी? नहीं मेरी साइड से तो भी कुछ भी नहीं पूछना है। ठीक है।